जागो गाहक जागो। हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। जैसे कि आप समझ गए होगी, आज हम करने जा रहे हैं क्लास टेंथ का NIOS बोर्ड का जो है 22वां चैप्टर जो है जागो गाहक जागो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपको एक अच्छा कंज्यूमर भी बनाता है। लेकिन जो है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जो आपको समझना भी चाहिए और सोचना भी चाहिए कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक बात और, अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जब चैनल जो वीडियो अच्छा लगेगा दोबारा आप रिसर्च करोगे आपको प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको नाम तक भी याद नहीं होगा त्रिपाण स्टडी सेंटर, तो आप रिसर्च नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कह रहा हूं, अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जरूर कीजिए। इसी के साथ जो है हम आप जो देखते हैं कि हमारे आज जो चैप्टर है क्लास टेंथ का NIOS बोर्ड का होम साइंस का, उसमें क्या है जागो गाहक जागो। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। लाइन टू लाइन 80% तक सेल, एक के साथ एक फ्री, जल्दी कीजिए, ऑफर सीमित अवधि तक ही है। पहले 100 ग्राहकों के लिए विशेष छूट है, एक रेफ्रिजरेटर के साथ एक टीवी फ्री है। आप किसी कितनी बार इस प्रकार के विज्ञापन के प्रति आकर्षित हुए होंगे, पता है ना, हर जगह आपको फ्री की जो है लालच दी जाती है, फ्री है, फ्री है, फ्री है। चलिए, फ्री तो हमेशा हर चीज़ रहती है। सरकार फ्री पानी करती है, बिजली करती है, ठीक है, बसों में यात्रा फ्री करती है और अच्छा खासा वोटों से जीत जाती है और अपना सरकार आम सरकार बना लेती है और अपना जीवन को जो है आरामदायक बना लेती है। या आपको निराश हुए हो जब आप ऐसे विज्ञापन के कारण फंसे हो, तो आप में से अनेक व्यक्ति ऐसे होंगे जो दुकानदार विनम्रताओं के से विज्ञापन के कारण ठगे गए होंगे। दुकानदार ने इसका दोष आप पर ही डालते हुए कहा होगा कि आपने विज्ञापन के निर्देशों को ठीक ढंग से नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि नीचे लिखा हुआ था कंडीशन अप्लाई। सारे बात जो होता है ना फ्री, वो बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है, लेकिन आपने ग्राहकों से ये नहीं पूछते हो कि भाई जो तुम लिखे रहते हो कंडीशन अप्लाई, इतने छोटे छोटे वर्ड में क्यों होते हैं, जो इंसान को नज़र भी नहीं पड़ता है। जो चीज़ गलत है उसको बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हो। अरे भाई, ऐसे लोगों को क्यों फंसा रहे हो आप? कहीं आप फंस गए तो क्या होगा, आप भी तो ग्राहक हो। बेशक लिए आपने किराना का दुकान खोल दिया है या कपड़े का खोल दिया है, लेकिन आपको चप्पल की दुकान में तो जाना ही पड़ेगा। हर चीज़ कहते हैं ना, समाज तो इसी को कहते हैं, जब आप दूसरे को ठग रहे हो तो आप भी तो एक दिन ठगाओगे। तो यही बात यहाँ पर दोस्तों आता है कि विज्ञापन देखते हैं और कहते हैं कि भाई आपने विज्ञापन ने ढंग से पढ़ा नहीं, आपने नीचे कंडीशन अप्लाई देखा नहीं, तो दूसरे को तो हम दोष दे देते हैं। लेकिन जब हम गलती करते हैं तो हम किसको दोष देते हैं? हम तो कहते हैं भाई हम तो ऐसे ही हैं। तो ऐसे ही होता है। ऐसे मामलों में क्या करेंगे? ठीक है, ऐसे मामलों में क्या करेंगे आप? क्या ऐसे में कोई आपकी मदद कर सकता है? जी हाँ, आपको कोई ना कोई तो जरूर मदद करेगा इन कहानियों में। यह एक ऐसी एजेंसी विद्वान है जो न केवल आपकी शिकायतों को धैर्यपूर्वक सुनता है, बल्कि आपके खराब वस्तु या सेवा के वजह से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने में सहायता भी करता है। एक ऐसी ही एजेंसी दोषपूर्ण दंड भी देती है, किंतु इसके लिए आपको जिम्मेदार उपभोक्ता बनना पड़ेगा। उदासीनता की प्रवृत्तियों को छोड़ना होगा और अपने अधिकारों और उपयोग करना होगा, और इस पाठ में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले तो ये बात कि उपभोक्ता होता कौन है। कौन है भाई उपभोक्ता? तो देखते हैं कौन है। अरे यहाँ तो आपको देख के भी हैरानी हो रहा है कि उपभोक्ता तो हम सारे ही हैं। आप भी उपभोक्ता हो, मैं भी हूँ, यहाँ तो सारे भी उपभोक्ता ही हैं, चाहे कोई भी हो, सब उपभोक्ता ही है। ये देखो, ये जो किराना की दुकान वाला था ये भी उपभोक्ता बना हुआ है, ये जो प्लास्टिक बेच रहा था वो भी उपभोक्ता है, ये देखो कपड़े की दुकान खोल रखा था वो भी एक उपभोक्ता ही बन जाता है दोस्तों। तो मैंने कहा ना, हर एक व्यक्ति उपभोक्ता है, लेकिन क्या करते हैं, हर एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को ठग रहा है, ठीक है, तो वो भी ठगा रहा है। तो ऐसा क्यों? अगर एक दूसरे को हम ठगना छोड़ दे तो हमारा जीवन भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन कहते हैं लालच में कौन फंसता है? हम फंसते हैं। आप लालच में ही ना फंसो, कहो कि भाई हम फ्री में क्यों लें, हमें सामान अच्छा दो, कहानी खत्म करो, तुम्हारी लालच में हम क्यों आए, ठीक है। तो उपभोक्ता का मतलब होता है हर व्यक्ति उपभोक्ता है, मैंने बोला ना, हर व्यक्ति उपभोक्ता है, चाहे वो मुकेश अंबानी जी क्यों ना हो, चाहे राष्ट्रपति क्यों ना हो, सब भाई सब उपभोक्ता है। कुछ ना कुछ सबको खरीदना ही पड़ता है, अपने घर में तो उत्पादन होती नहीं हर चीज़। गुड्डी अपने परिवार के लिए सब्जी खरीदती है, वहाँ अपनी नौकरानी को उसको सेवाओं जैसे घर की सफाई, साफ सफाई, कपड़े के धोना आदि को भुगतान करती है, वह बिजली और पानी का बिल भी जमा करती है, ठीक है,
जितनी बार वह किसी खरीदी गई वस्तु या प्राप्त की गई सेवा के लिए भुगतान करती है इतनी बार वह उपभोक्ता होती है, यानी जितने बार आप कुछ भी करते हो सारे उपभोक्ता ही कहलाता है। जैसा कि हमने पहले कहा है कि हम सभी ग्राहक हैं, क्योंकि हम सभी बाजार की वस्तु खरीदते हैं तथा दूसरे द्वारा प्राप्त प्रदान की गई सेवाओं का उपभोग करते हैं। सब करते हैं, हर एक करते हैं, अमीर से लेकर गरीब, गरीब से लेकर अमीर तक करते हैं। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तु या सेवाओं का खरीद कर प्रयोग करता है। वो सारे व्यक्ति जो होते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। तो आपको डाउट नहीं होगा उपभोक्ता कौन होता है, पता लग गया ना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो बनाया गया था 1986 में पीएड में उपभोक्ता के स्पष्ट रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, देखते हैं दो श्रेणी कौन है। जो व्यक्ति खरीदता या प्रयोग करता हो वो पहला व्यक्ति कहलाता है 1986 के रिगार्डिंग। जो व्यक्ति प्रयोग के लिए किसी सेवा के किराए पर लेता है या उसका उपयोग करता है, ये दो श्रेणियां जो होती हैं ये विभाजित किया गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के रिगार्डिंग। ठीक है, अब जब आप उपभोक्ता हो तो सबसे पहली समस्या क्या आता है, उपभोक्ता के रूप में आपके सामने आने वाली सबसे पहली समस्या दोस्तों यही होता है कि आप कहीं भी दुकान में चले जाओ, जब मैं भी जाता हूं तो मैं यही देखता हूं कि वो दुकानदार जो है कुछ और रेट से कोई सामान बेच रहा है, उसी चीज़ की वो व्यक्ति जो है कुछ और रेट से बेच रहा है, वो कुछ और रेट से बेच रहा है। तो इसमें इसका क्या कारण है, इसका कारण तो होगा ना भाई, क्यों बेच रहे हो ऐसे। मेरा भी गुस्सा चढ़ जाता है ऐसे में कि भाई तुम 50 रुपये बेच रहे हो, वो वहाँ पर 40 रुपये दे रहे हैं, ऐसा क्यों। तो हर कोई अपना कहानी सुनाने लग जाता है कि मेरी क्वालिटी अच्छी है, मेरी वो अच्छी है, लेकिन लाते एक ही जगह से है। एक राजधानी बेसन का ही ले लो, हर जगह एक रेट ही, हर जगह अलग अलग रेट से मिलती है, लेकिन होती तो राजधानी बेसन ही है भाई। बेसन में क्या तुमने अमृत लगा दिया है क्या, क्या उसमें से कीड़े चुन के बाहर कर दिए हो। तो यही सब बात दोस्तों आती है कि सबसे पहले तो यही बात आती है कि मूल्य में विभिन्नता क्यों भाई। प्राय आपने देखा होगा कि दुकानदार आपसे वस्तु पर मुद्रित मूल्य से अधिक वसूलते हैं, ये आपने देखा होगा। लेकिन सबसे पहले बात तो आपको ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी जो वहाँ पर रेट प्रिंट हो रखा है वो एक्चुअली में वो प्रिंट रेट नहीं रहती है। ठीक है ना, वो तो वहाँ मैन्युफैक्चरर वाले डाल देते हैं, लेकिन वहाँ से बहुत ही कम रेट पे आता है सामान कोई भी चीज़। ठीक है, यह मुद्रित मूल्य अधिकतम खुदरा मूल्य होता है जिसे MRP कहा जाता है, आपने देखा होगा MRP। और इसका अर्थ है कि दुकानदार आपसे इस राशि से अधिक मूल्य नहीं वसूल सकता, क्योंकि ये जो होती है सरकार द्वारा टैक्स उस लगा के दिया गया MRP होता है। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं अपने घर में मैन्युफैक्चर कर लेते हैं MRP के टैग और चिपका देते हैं MRP। भाई हमारा इंडिया ही तो है, हमारा देश ही तो है, यहाँ पर हर चीज़ होती है, अपनी मर्जी का टैग बनती है, अपनी मर्जी का टैग चिपकाया जाता है, तो ऐसा क्यों। जब दुकानदार से पूछा जाता है कि ये MRP से अधिक मूल्य क्यों वसूल रहे हैं, तो उसका उत्तर होता है कि उन्हें सिनेमा घर या प्रदर्शनी आदि में भारी किराया देना पड़ता है या अतिरिक्त स्थानीय करों के कारण अधिक मूल्य वसूला जा रहा है। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि MRP एक मुद्रित मूल्य में सभी प्रकार के कर पहले से सम्मिलित होते हैं। मैं अभी यही बात बता रहा था ना कि जो MRP होती है उसमें हर तरह की सरकार जो होता है मूल्य जोड़ देता है, यानी जो बना रहा है उसका भी पूरा मूल्य होता है सम्मिलित, जो खरीद रहा होता है उसका भी मुनाफा रहता है, जो बेच रहा है उसका भी मुनाफा रहता है। ठीक है, अगर फैक्ट्री से कोई बेच रहा है तो दुकानदार तक जा रहा है, सबका मुनाफा उसमें सम्मिलित होता है। ठीक है, तो अगर सामान मान लो कि माचिस अगर आपको 1 रुपये का मिलता है तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ से ये बनता है वहाँ पर उसकी कीमत मुश्किल से होगा 50 पैसा होगा और आप तक पहुँचते पहुँचते 1 रुपये में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे जो हैं व्यक्ति लगे होते हैं, तो उनको भी मिलना चाहिए, इसलिए कोई रोजगार कर रखा है तो कुछ तो पैसे मिलना चाहिए। लेकिन ये क्या, जहाँ पर आप 1 रुपये के सामान होता है वहाँ 50 रुपये वसूल रहे होते, ये तो भाई सही तो नहीं है ना, ये तो बहुत बड़ा गलत है, ये तो आप लूटने वाला काम कर रहे हो, डकैती कर रहे हो। इसी प्रकार सेवा के मामले में भी एक इलेक्ट्रिशियन एक ही कार्य के लिए दूसरे इलेक्ट्रिशियन की तुलना में अधिक पैसा मांगता है और इसका औचित्य देता है कि वह अपने कार्य की गारंटी दे रहा है। अब देखिए, कोई इलेक्ट्रिशियन है वो आपके घर में बिजली लगा दिया है, ठीक है, अब बाहर से बिजली आ रही है, ठीक है, कुछ ख़राब हो जा रहा है, इसमें गारंटी क्या है भाई। तार आपने अगर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है 10 एम्पीयर के सॉकेट चाहिए, यहाँ पर आपने 5 लगा दिया है, अगर आपका जो है तार पिघल जाता है, इसमें आपकी क्या गारंटी है। तार पे क्या आपने तार बनाने गए थे, पूछना था उन इलेक्ट्रिशियन से कि आप जहाँ मैन्युफैक्चर होता है तार, क्या वहाँ पर क्वालिटी देखने गए थे। तार तो क्वालिटी जैसी रहती है, कॉपर ही रहती है, चाहे एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम रहती है,
चार्जेस क्यों? क्योंकि आप यही कहोगे ना कि मैं तो बहुत काम सुमनता से करता हूँ, बहुत ही अच्छे से करता हूँ। तो अपनी अपनी सोच, इसलिए आप यह सुनिश्चित कीजिए करेंगे कि आप अच्छी गुणवत्ता वाली सेवाओं के लिए भुगतान कर रहे हैं। यदि संभव हो तो अच्छी गुणवत्ता वाली सेवाएं उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति का पता करें कि कौन अच्छा से अच्छा जो है आपके लिए करता है। सुनिश्चित करें कि अच्छी गुणवत्ता वाले पूजों या भागों का ही प्रयोग किया जाए। व्यक्तिगत रूप से कार्य को निरीक्षण करें। कुछ और अन्य तरीके से विषय में सोचें जिससे आप उस सेवा को सुनिश्चित कर सके। तो इन बातों पर जो है ग्राहकों को ही ध्यान देना पड़ेगा, यानी कंज्यूमर जो होता है, उपभोक्ता जो होता है, इन सब बातों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो लोग आपको बेवकूफ बना जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि आप ऐसे लोगों के विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर करवा सकते हैं, उन्हें भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। हाल ही में एक सिनेमा हॉल की मालिक को 7,000 रुपये जुर्माना देना पड़ा क्योंकि वह 10 रुपये की मुद्रित कोल्ड ड्रिंक को 50 रुपये में बेच रहा था। देखिए दोस्तों, ये बात तो सच्चाई है कि हमारे पास देश में जो है ऐसे कानून बने हुए हैं, लेकिन आजकल पता ही कानून कहाँ है, कैसे है, बहुत से जो आम व्यक्ति हैं उन तक नहीं पहुँच रहा है। तो इसलिए तो मैंने ये बीड़ा उठाया है कि आपको हर एक बात जो है आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि 10वीं क्लास के जो बच्चे होते हैं रोज़ समझदार बनते हैं, तो अपने घर वालों को भी बताएंगे, आसपास के लोगों को भी बताएंगे, तभी जाकर तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। उपभोक्ता के रूप में आप क्या कर सकते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। विभिन्न ब्रांड के उत्पादों के मूल्यों की जानकारी विभिन्न दुकानों से प्राप्त करें। आप एकत्र आंकड़े को निम्नलिखित तरीका में संयोजित करें। उत्पादों के मूल्य, गुणवत्ता, मानक चिन्ह जैसे MPO, ISR, एग्नमार्क आदि की तुलनात्मक विश्लेषण करें। मानक चिन्ह उत्पादन के लिए दी जाने वाले वो चिन्ह है जो प्रयुक्त सामग्री विनियमता व निर्माता की पद्धति, लेबलिंग, पैकिंग, बिक्री तथा कार्य निष्पादन की दृष्टि से विभिन्न मानकों को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, आपको पता है कि ISI मात्रक होता है या एडमार्क होती है, वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है कि भाई ये वस्तु जो है क्वालिटी पूर्ण है, ठीक है, इसमें कोई तरह की खराबी नहीं है, ये सरकार की तरफ से जो है ये दी जाती है। ठीक है, अपने सर्वेक्षण से पश्चात आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कौन सा दुकानदार बेहतर मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता वाले वस्तु उपलब्ध करा रहा है। आप निर्णय ले सकते हैं कि आपको घर के लिए किराने का सामान किस दुकान से खरीदना है, किंतु अपनी आवश्यकताओं को निर्धारित करने के पश्चात सामान्य पद्धति का उपयोग करते हुए समय समय पर अपनी इस जानकारी को अद्यतन करें। बड़ी मात्रा में सामान खरीदने पर आप दुकानदार से मूल्य के लिए मोल भाव भी कर सकते हैं, ये आपका अधिकार हो जाता है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि सरकार जो है MRP जो है सेट करती है और इसमें सबका मुनाफा होता है। ठीक है, तो आप जो है कोई वस्तु के जो है मोल भाव करके उसको कम कर सकते हैं। दुकानदार भी प्रायः अपने निमित्त भुगतानों के लिए मूल्य कुछ कम रखते हैं। हमेशा याद रखें कि MRP से अधिक मूल्य का भुगतान न करें। ये मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये बात हमेशा गौर से दिमाग में रखिए कि जो MRP दिया हुआ है उसमें भी आप कम करवाने की क्षमता रखते हो, मोल भाव करो, लेकिन मूल्य से अधिक पैसा न दो, उसको उसी समय रिटर्न कर दो। चाहे वो बंदा कहता हो कि पुराना मैन्युफैक्चर है, नई मैन्युफैक्चर है, इसका कोई मान्यता नहीं मानी जाती है। यदि फिर भी कोई दुकानदार आपसे MRP से अधिक मूल्य वसूलता है तो उसे रसीद लें और शिकायत दर्ज करवा दें। ठीक है, हम लोग जो होते हैं कुछ लालच के चक्कर में क्या करते हैं, रसीद ही नहीं लेते हैं कि भाई इसमें GST लग जाएगा, ये लग जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा चढ़ जाएगा। अगर आपको दिखता है ऐसा कुछ धोखा दिखता है तो डायरेक्ट उसको कहो भाई कि मुझे पर्ची चुपचाप निकाल के दे, आप निकलवा लो, जाके वहाँ पर उपभोक्ता अदालत में जाके दायर कर दो, आपको कोई तरह का नुकसान नहीं होगा, उस बंदे को फिर से आपको उसका 3 गुना पैसा देना पड़ जाएगा उसको। समझ रहे हो ना बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी जो हम कर रहे थे मूल्य पे विभिन्नता, अगला टॉपिक जो हमारा है देखिए मानकृत वस्तुओं की कमी। बाजार में कम गुणवत्ता वाले वस्तु की भरमार है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुकानदार इन कम गुणवत्ता वाले वस्तुओं को बेहतर क्यों बताते हैं और इनकी गारंटी देने को भी तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें इन कम गुणवत्ता वाले वस्तुओं पर मानक वस्तु की तुलना में अधिक कमीशन प्राप्त होती है। ठीक है, जो उनके पास खराब से खराब सामान होता है उनको तो पता है कि व्यक्ति एक बार ले जाए तो उसका प्रयोग तो करेगा ही करेगा। कभी ऐसा हुआ है कि आप सब्जी लेके आए हो, सब्जी कड़वी थी, आपने पूरा बना लिया है, अब बना लिया है तो अब क्या करोगे, क्या हो गया आपका सारा चीज़ खत्म हो गया, खराब हो गया, अब क्या कर लोगे? तो वही तो होता है दुकानदारों को कि अगर घटिया माल भी सप्लाई हो जाए और व्यक्ति खाना बना लेता है, सब कुछ उसमें लगा देता है, तो फिर वो क्या करेगा?
अगर गुण उसका खराब है फिर भी सुथरा मोड़ा खाएगा ही, क्योंकि बर्बाद तो नहीं करेगा। आज की जो इतनी महंगाई है उसमें करने अलग कुछ भी नहीं है। लेकिन दुकानदार में क्यों ऐसा इसलिए को करते हैं क्योंकि उनमें उनका जो है कमीशन भरमार होता है, कमीशन ही कमीशन होता है। ठीक है, एक उपभोक्ता के रूप में आप क्या कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। एक वस्तु कम से कम 6 ब्रांड पर सर्वेक्षण करें जिनमें से 3 मानक चिन्ह वाले हों और 3 ऐसे जिनके मानक चिन्ह न हों। इन वस्तुओं की तुलना करें और उनकी कीमत क्षमता और मानक चिन्ह उपभोक्ता की सरलता बिक्री पश्चात बिजली की खपत ठीक है वारंटी गारंटी के आधार पर इनका विवरण करिए। इससे आप सही चीज़ों का परख सकते हो। इसमें मानक गुणवत्ता कम गुणवत्ता वाले उत्पादों के बीच के अंतर की जांच करें। उदाहरण के लिए आप स्वयं से पूछें कि क्या एक बिजली उपकरण की खरीदना उपयोगी होगा जो खरीद के समय सस्ता है, बिजली की अधिकतम खपत करता हो, बिक्री के पश्चात सेवा उपलब्ध न कराए, उसे साफ करना या प्रयोग करना कठिन हो, उसमें बिजली के झटके लगते हों। इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना बहुत जरूरी है क्योंकि यही चीज जो होती है इन सब कमीशन जुड़ी रहती है, जिसकी वजह से वो जो है व्यक्ति ऐसा चीज़ों का उपलब्ध कराती हैं। अगला टॉपिक दोस्तों क्या है, नकल। आपने कई बार देखा होगा कि कई वस्तुओं की पैकेजिंग जो है प्रसिद्ध ब्रांड की पैकेजिंग की नकल होती है। प्रायः ब्रांड के नाम से ही मिलते जुलते नाम का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा ही होगा एक प्रचार आता है मैगी का, तो कहता है हर पीली चीज़ देखने वाला मैगी नहीं होता। आपको याद आया एडवर्टाइजमेंट, आपने हमेशा घर पर देखते रहते हो। ठीक है, तो वही बात है नकल कि ब्रांड जैसी नकल करते हैं और फिर क्या करते हैं उसको मार्केट में उतार देते हैं और उसमें क्या होता है घास फूस भर देते हैं और लोगों को मारने की पूरी प्लानिंग हो जाती है उनकी। तो ऐसे ब्रांड पे सरकार को रोक लगाना चाहिए और छापामारी करना चाहिए। जब वो टीवी में ही दिखाते हैं कि भाई ऐसे क्यों करते हो तो फिर तो और कहीं बात ही नहीं बनती है। होता है क्या कभी ऐसा, ताकि उपभोक्ताओं को बेवकूफ़ बनाया जा सके। उदाहरण के लिए टूथपेस्ट के एक ब्रांड कोलगेट की नकल करके कॉलेज टूथपेस्ट बाजार में लाना जिसमें उसके बाहर के कवर के रंग तथा डिज़ाइन बहु होती है, उसी तरह से होती है बहु। इसी प्रकार उनके एक प्रसिद्ध ब्रांड लाल इमली ब्रांड की बहुवली नकल करके उसे नाम लाल मली रखकर बाजार में बेचना। यहाँ आपको लगता है कि शायद पैकेजिंग के मतलब में कोई त्रुटि है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। ऐसा तो ब्रांड बना के भेज रहा है, ये तो नकली है। कंपनी वो बना के भेज रही है, सिर्फ आपको नकल करने। आपने देखा ही होगा यहाँ पर नकल की बातें बहुत हो रही है। ठीक है, तो सेम सेम का ही मतलब होता है सेम सेम। पैसे नकली होते हैं डुप्लीकेट जैसे दिखते हैं, कुछ खामियां होती है जिसको आप पहचान के नकली नोट को कर सकते हो। तो खाने वाले पदार्थ को भी नकली को पहचानो, नहीं तो वो जहर है, आपके बच्चों को भी नुकसान पहुंचाएगा। और आपको पता ही कि नकली शराब कहाँ से बन जाती है, देखते हो कितना हर गांव में लोग मर रहे हैं नकली शराब पी के नकली दवाई खा के। तो नकली ही है, उसको पहचानो। ठीक है, आपको क्या लगता है कि विनिर्माता इस प्रकार की पद्धतियों का अनुसरण क्यों करते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही है, उन्हें अपने उत्पादन के लिए विज्ञापन का खर्च नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उनको तो खर्च करना ही नहीं पड़ता है, वो तो उन्हीं के विज्ञापन का इस्तेमाल करके उन्हीं का ही कर लेते हैं। तो ऐसा कानून क्यों नहीं है। वे प्रायः प्रसिद्ध ब्रांड की नकल करके अपने ब्रांड को भी प्रसिद्ध कर देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अधिकतर उपभोक्ता वस्तुओं की पैकेजिंग को सरसरी नज़र से देख कर वस्तु खरीदते हैं और उस पर मुद्रित शब्दों को पढ़ना जरूरी नहीं समझते। आपने देखा ही होगा कि बच्चे जो होते हैं बच्चों को पढ़ने लिखने थोड़ी इतना आता है। आजकल तो स्कूल में भी बच्चों को जो एडमिशन होती है वो भी रुला रुला के करवाते हैं। आप तो भाई आधार कार्ड आपके ख़राब है, आपको जन्म पत्री खराब है, तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ। देखते हैं जाके दुकान में, भाई वो पीली चीज़ मुझे दे दो, वो कुरकुरे जो है वहाँ पर टकाटक भी लिखा हो तो कहेंगे कुरकुरे है, भाई कुरकुरे दे दो, उनको क्या नॉलेज है। सरकार भी तो यही चाहती है ना, तभी तो सरकार को फ़ायदा होता है इन चीज़ों से। बच्चे को भी कहाँ समझ है, आजकल छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, 10वीं क्लास में भी होते हैं, कहीं भी क्लास में देख लो, उनको समझ कहाँ होती है इन चीज़ों का। ब्रांड का तो पता नहीं होता है, भाई पीली चीज़ खा रहे हैं नीली चीज़ खा रहे हैं, जाएंगे दुकान पे उंगली उठा देंगे, उनको क्या पता कि वो कंपनी का है कि वो सिर्फ विदाउट कंपनी का है। कारण तो यही बनता है ना, आप भी जाते हो बच्चों की एडमिशन करवाने, क्या कहते हैं वहाँ पर जो मुख्याध्यापिका जी होते हैं बैठे हुए कुर्सी पे, यही कहते हैं ना कि आधार कार्ड लेके आओ, आपका आधार कार्ड जो है वो 1 किलोमीटर दूर का है, आप मेरे घर के पास का आधार कार्ड बनवा लो, इस एड्रेस का बनवा लो, आप किराए पे हो। ये नहीं देखते कि वो बंदा जो है किराया पर है, ठीक है, और बच्चे को पढ़ाते नहीं है ढंग से, ठीक है, सबको काम देने की जगह पर क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं सो जाओ बच्चों सो जाओ, शट डाउन कर लो, हेड डाउन हो जाओ, आप क्या पढ़ोगे। तभी तो देखो, आप जाके देखो ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े घर के बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, उनका तो कुछ कह ही नहीं सकता मैं,
जो आम जनता है, आम लोग हैं, उनको देखो ना। तो उपभोक्ता उपभोक्ता कौन है सबसे अधिक, कौन ठगे जा रहे हैं? आम गरीब। बड़े लोग तो उनका खून पी पी के बड़े बन जाते हैं, लेकिन आम जो गरीब हैं, जो कॉलोनी हैं, झुग्गी झोपड़ी हैं, जो मिडिल क्लास के होते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। वो उपभोक्ता सबसे बड़े होते हैं, बेकूफ़ बन रहे हैं आजकल। उनको तो जो मिलता है ले आते हैं घर में, चलो बनाओ यार फटाफट, चलो खा जाते हैं। और खाते हैं तो अगला दिन उनके पेट में दर्द होने लग जाता है, तो डॉक्टर कहता है भाई आपने कहीं बाजार का खाना खाया था? नहीं नहीं, मैं तो ब्रांड का चीज़ लेके आया हूँ, मैंने खाया था। तो उनको थोड़ी पता था कि वो नकली था कि असली था। तो यही तो हमारा जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन फिर भी सरकार ने बहुत तरह के जो है नकली मानक चिन्ह, देखिए कौन कह सकता है कि ये मानक चिन्ह नकली है? नकली मानक चिन्ह लिखा हुआ है ना, कौन कह सकता है? किसमें थोड़ा डिफरेंस है? देखिए सब में थोड़े थोड़े हल्के हल्के डिफरेंस दिखेगा, तो कौन कहेगा जब सरकार, अब देखिए असली ही है, बाकी सब नकली है, तो देखने वाले भी कन्फ्यूज हो जाएंगे। भाई देखने वाले तो कहेंगे भाई इसकी ये चित्र बने हुए हैं वो तो सही है भाई, अब ये थोड़ी देखेंगे भाई उसमें ये लिखा है, ये बैच पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है। छोटी छोटी बात इतना कौन देखता है? तो आपको भी नॉलेज है, कई भी तरह की सुविधाएं वस्तु पर ब्रांड के मानक चित्र या लोगों के भी नकल कर लेते हैं। असली का नकल किए गए लोगों के नमूनों के नीचे उपलब्ध कराए गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन से असली और कौन से नकली हैं? अन्य महत्वपूर्ण और असली मानक चित्रों की तालिका में दर्शाया गया है कि आप जानते हैं कि लोग इस पैकेजिंग के नकल करना गंभीर अपराध है तथा कानून के अंतर्गत दंडनीय है। देखिए ये बात अपराध है, दंडनीय है, तो भाई आप खरीदते ही क्यों हो? वहाँ सप्लाई आगे बढ़ता कैसे है? बेशकली जो है उपभोक्ता अनपढ़ है, चलिए मानता हूँ उपभोक्ता खरीदने वाला बेवकूफ़ है, लेकिन जो व्यक्ति वहाँ से खरीद के ला रहा है इतना बड़ा बड़ा अमाउंट में, उपभोक्ता को तो एक खरीदना है, वो तो भाई इतना ध्यान नहीं देगा। लेकिन जो खरीद के लेके आ रहे हैं उनको तो ध्यान देना चाहिए ना कि मानक चित्र नहीं है, उसमें गलत है, उसमें गलत पैकिंग हो रखा है, गलत नाम है, डुप्लीकेट है। तो वो भी तो मुनाफा के चक्कर में, पता है क्या होता है, जो चीज़ उनको जो ओरिजिनल होता है, जो 50 रुपया में दुकानदार को मिल रहा होता है, वो उनको पता है कितने का मिलता है, 20 रुपये का मिलता है। तो डायरेक्ट उनको 30 रुपये का फ़ायदा होता है इसमें, तो भाई वो तो वो क्यों बोलेंगे? उनको तो भाई 30 रुपये का जो है लक्ष्मी जी उनके जेब में पधारने वाले हैं, तो वो क्यों बोलेंगे, उनको क्या जाएगा? लेकिन आपकी जिनकी साथ तो खिलवाड़ हो गया ना, इसलिए कहता हूँ कि कभी बाजार में बच्चों को कुछ भी खिलाओ तो सोच समझ के खिलाओ, उस पर देखो। और मेरा विचार तो है कि बाजारी चीज़ खिलाओ ही मत। क्या भगवान ने आपको हाथ नहीं दिया है? अब बनाओ, आप तो इतने तेज हो, इतने अच्छे अच्छे बनाते हो खाने, अच्छे अच्छे बनाओ, बच्चों खिलाओ घर में, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? क्योंकि आजकल जाओगे कहाँ आप, सरकार भी नकली चीज़ों के प्रोत्साहित कर रही है। अरे भाई सरकार फैक्ट्री तो किसने खुलवाया है? ऐसे तो फैक्ट्री कोई खुल नहीं जाती है, सरकार ने मान्यता दी होगी उसको, नकली को भी। अगर छुप छुप के हो रहा है तो क्या सरकार के पास पुलिस नहीं है? सरकार कहती है कि विश्व में सबसे बड़ा शक्तिशाली हम हैं, तो कहाँ है शक्ति? पहले अपने देश को, शक्ति बंदों को तो बचा लो, फिर दुनिया को बताना। उपभोक्ता के रूप में आप क्या कर सकते हैं? आप ऐसे पैकेजिंग युक्त वस्तुओं को एकत्र करें जिनके पैकेजिंग चिन्ह प्रसिद्ध ब्रांड तथा मानकीकृत चिन्ह वाले उत्पादों के नकल हो, ये बात बहुत जरूरी है आप करें, या उनके नकली मानकीकृत चिन्ह हो, दोनों को ही प्रकार के उत्पादों के नकल या असली का उपयोग करें, दोनों की गुणवत्ता की जाँच करें, उनके गुणों के आधार पर उन्हें निम्नलिखित तरीकों में रेटिंग प्रदान करें और उनको स्वतंत्र निर्णय लें। ठीक है दोस्तों, ये तो बहुत बड़ी प्रक्रिया हो जाती है। अगला टॉपिक जो है दोस्तों हमारा मिलावट है। मिलावट के बारे में आपको मैं क्या बताऊं? मिलावट का अर्थ है कि एक वस्तु में जानबूझकर या अनजान में निकृष्ट तत्वों को शामिल करते हैं, इसके महत्वपूर्ण तत्वों को निकाल लेना ताकि उनकी मात्रा को बढ़ाया जा सके, लाभ में वृद्धि के लिए ऐसा किया जाता है। आपने देखा होगा कि आपको जो दूध सप्लाई किया जाता है उसमें अधिक क्रीम नहीं निकलती है, पता ही होगा, जबकि सब पता है, यहाँ तक कि चावल तथा दालों में भी कंकड़ पत्थर मिल जाते हैं, पता ही है। दालों को कृत्रिम रंगों से पॉलिश कर दी जाती है ताकि वे शुद्ध और ताज़ा नजर आए। आपने देखा ही होगा कुछ दिन पहले देखते होंगे कि चावल नकली होती थी, लोग कहते थे प्लास्टिक का चावल है, कमाल है यार, जिंदगी भी ऐसी भी आ गई है कि आजकल प्लास्टिक के चावल भी हम देख रहे हैं, खाने वाले कहते हैं हर एक प्लास्टिक का चावल है, कमाल है यार, हम कितने मुनाफा कमाना चाहते हैं कि आज हम प्लास्टिक के चावल लोगों को खिला रहे हैं। खिलाने वाले के तो देवता है, उनको तो पूजा करना चाहिए कि यार तुम कितने महान हो कि चावल वाले प्लास्टिक को खिला रहे हो लोगों को, वाह अच्छी बात है। आपने न्यूज़ में कुछ दिन पहले देखा भी होगा। हाल ही में सोने की वस्तुओं में एरिडियम स्टॉडियम नामक धातु की मिलावट की जाती है, क्या आप भी इनमें से आपने भोजन में मिलावट के अंश देखे हैं? देखे होंगे आप लोग, ठीक है इसके बारे में देखते।
रंग स्वाद रूप और गंध में किसी प्रकार परिवर्तन के संचेत रहे, लेवल के ध्यानपूर्वक पढ़ें, आसानी से मानक चित्र की जांच करें, अच्छी दुकान से ही सामान खरीदें, विक्रेता बंडरों जो ब्रांडों की भी ही सामान खरीदें, पैकेज और सील युक्त खाद्य पदार्थ ही खरीदें, ठीक है, साबुत अनाज तथा मसाले खरीदें तथा उन्हें घर पर पीसें, गुणवत्ता और कीमत में समझौता न करें, समय समय अपनी खाद्य जैसे दूध मसाले चीनी तथा तेल आदि की जांच ही करें, संदेह खाद्य पदार्थ के नमूने की जांच करवाएं, ठीक है, यदि नमूना ठीक नहीं है तो उसे ब्रांड दुकान को बदल दें, इसकी सूचना संबंधित अधिकारी को दें। देखिए दोस्तों ये सब बातें जो होती है ना, अब देखिए आजकल जो है दुनिया भागम भाग में पड़ा हुआ है, आज किसी के पास टाइम नहीं है, ठीक है, और इन बातों पर जानना और परखना बहुत ही समस्या बन जाती है लोगों के लिए। आजकल तो लोग लाते हैं दुकान से, फाड़ते हैं फटक से, पानी के अंदर डालते हैं, गर्म करते हैं, फटक से मुंह में डाल लेते हैं, कुछ नहीं देखते हो, कहाँ है किसी के पास टाइम। सरकार हर चीज़ के लिए पैसा कर रही है, टैक्स लगा रही है, तरह तरह के टैक्स लगा रही है, लेकिन सरकार को तो कम से कम गुणवत्ता को दिखना चाहिए ना कि भागम भाग दुनिया है, सरकार ही तो हमारी माँ बाप होती है, उनको तो सोचना चाहिए ना। कर रहे थे कि जो भोक्ता होते हैं उनके सामने क्या क्या समस्याएँ आती हैं, हमने चार समस्याओं के बारे में तो कर चुके हैं पहले ही, ठीक है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो थी आपको पता है कि मूल्य का भिन्न होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके बाद पाँचवा जो है अनुपलब्धता, कालाबाजारी, जमाखोरी। कालाबाजारी के बारे में और जमाखोरी के बारे में तो आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया होगा, इसके बारे में तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है क्योंकि हमारा सिलेबस है तो हम सिलेबस के रिगार्डिंग चलते जाएंगे। दोस्तों मेरा काम सिर्फ इसमें ये होता है कि आपको समझाना, और समझाने का स्टाइल अपना अपना होता है, ठीक है, सिर्फ आपको समझना है और आपको एक अच्छा नागरिक बनना है। जागरूकता आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, उपभोक्ता कौन है, प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता है, क्योंकि चाहे वो बड़े से बड़ा राजा क्यों ना हो, उसको भी सामान खरीदने की आवश्यकता पड़ती है, सब कुछ उसके घर में मैन्युफैक्चर नहीं होती है, तो उपभोक्ता आज हर एक व्यक्ति है, ठीक है, तो हर एक व्यक्ति को जागने की ज़रूरत है, एक अच्छा ग्राहक बनने की ज़रूरत है, और एक तोल मोल करने की ज़रूरत है, ठीक है, और जो व्यक्ति बेचते हैं कोई सामान को, उनको सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनमें उनकी क्वालिटी होनी चाहिए। इससे पहले जो हमने बात किया था, हमने किया था जो जमा वो होती है क्या कहते हैं आपकी जो मिलावटें होती हैं उसके ऊपर की किया था। आजकल क्या होता है, क्योंकि उसमें हम अधिक बात नहीं कर पाए थे इस टॉपिक पे, तो मिलावटें जो दोस्तों होती है ये कहा जाता है कि आप क्या करते हो, अधिक मुनाफा कमाने के लिए किया जाता है। तो आप क्या करते हो, जब भी मिर्ची होता है उसमें क्या करते हो, ईंट को पीस के डाल देते हो, भाई ये क्या है, मुनाफा कमा के क्या कर लोगे, जिंदगी के साथ खेल रहे हो व्यक्तियों की। जो काला मिर्च होता है आपने देखा होगा, काली मिर्च, और पपीता देखे हो, पपीता पपाया देखे होगे, दोनों का जो बीज होता है ना सेम होता है, लोग क्या करते हैं अधिक मुनाफा कमाने के लिए पपीते के बीज डाल देते हैं, देखा है ना आपने, कहीं भी आप देखो मेथी में कुछ जंगली मेथी डाल देते हैं, आधा में खुशबू आता है आधा आपका गया, यार मुनाफा करके क्या कर लो, क्वालिटी तो अच्छे दो, पैसे आपको हम दे रहे हैं भाई, हमारा मेहनत का पैसा है, तो आप मुनाफा के चक्कर में आप मिलावट इतना क्यों कर रहे हो। आप दाल देखोगे, दाल में आधे उसी प्रकार के कंकर पत्थर मिलेंगे, मुझे तो समझ नहीं आता कि दाल में कंकर जो है दाल कैसे पैदा कर देता है कंकर, तो वहाँ तो क्लियर लिखा हुआ है लोग कमाने के लिए जो है अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए इसमें मिलावट करती हैं। तो यह मिलावट करने वाले का क्या दिल नहीं है, क्या उनके बाल बच्चे नहीं हैं, अरे कम रेट पे मिलो महंगा बेच लो बेशकली, लेकिन मिलावट तो ना करो, इंसानों के साथ खिलवाड़ तो ना करो, हर इंसान की जीवन महत्वपूर्ण है, पता है ना आपको, जब आपके साथ बीतता है ना, जब आपके घर में किसी बच्चों के या किसी आपके साथ कुछ बुरा होता है तब तो बड़े चिल्ला जाते हो, और वही पदार्थ मिला हुआ पदार्थ कोई दूसरा व्यक्ति खाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, दालों को रंग देते हो, मटरों को हरे हरे रंग से रंग दे बेचते हो, अरे क्यों आखिर इतने केमिकल डाल के आप कर रहे हो, क्यों इतना मुनाफा लेके क्या ऊपर जाओगे, रहे तो यहीं पे जाएगा। तो ये सारे टॉपिक जो है हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद जो है अनुपलब्धता और कालाबाजारी और जमाखोरी के बारे में हम जानते हैं क्या है। अनुपलब्धता, कालाबाजारी और जमाखोरी प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजट से पूर्व दुकानदार संभावनाओं के आधार पर कई वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कर देते हैं और अधिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से वस्तुओं की जमाखोरी शुरू कर देते हैं। जमाखोरी का मतलब यही होता है दोस्तों कि कोई भी सामान के जो अगर कीमत बढ़ने लग जाता है, दुकानदार क्या करते हैं उस चीज़ों को पहले से खरीद के अधिक स्टोर में जैसे यहाँ छुपा देते हैं, ठीक है, छुपा देते हैं, और उसको जब सामान खत्म हो जाता है तो उसको बहुत ही महंगे कीमत पे बेचते हैं।
तो उसे हम जमाखोरी कहते हैं। यह विशेष रूप से गैस एजेंसियों के मामलों में सही है। जब घरेलू गैस की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना होती है तो ये एजेंसियां उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति रोक देती है, ठीक है। किंतु जब उन्हें पता चलता है कि गैस सिलेंडर की कीमतें कम होने वाली है तो अगला सिलेंडर 15 दिनों के पश्चात ही उपलब्ध कराए जाने का उनका नियम नहीं लागू नहीं होता है और तत्काल ही गैस सिलेंडर की आपूर्ति कर देती है। तो ये सब चीज़ें जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आज के समाज में जो है हर जगह छल कपट हो रहा है, वहाँ पर आप लोगों को समझदार बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भी इसी देश में रहते हो, इसी जानकारी होना आपकी ज़रूरी है। बहुत से लोग अपना मासिक राशन सरकार द्वारा प्रचलित राशन की दुकान से किरायेदारी दरों पर लेते हैं। त्यौहार के दिनों बहुत सी दुकानों को किराने का सामान खत्म हो जाता है, विशेष रूप से चीनी और मिट्टी का तेल। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? प्राय राशन की दुकान को लालची मालिक राशन के सामान को खुले बाजार में यानी मिठाई की दुकानों को बेचकर लाभ प्राप्त कमाते हैं। ऐसे मामले में उपभोक्ताओं को काफ़ी दिक्कत की असुविधाओं का सामना करना पड़ जाता है। उपभोक्ता के रूप में आप क्या कर सकते हैं? आपने देखा ही होगा कि बहुत कुछ चीज़ जो ज़रूरी हो जाती है ना, तो उसका क्या हो जाता है, शॉर्टेज होने हो जाती है। और वो चीज़ें जो होती हैं जहाँ 10 रुपये का मिल रहा हो वो डायरेक्ट 100 रुपये का हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती है बहुत ही दिक्कत होती है जो उपभोक्ता होते हैं उनके लिए, उनके तो कहते हैं कमर ही टूट जाती है। यदि संभव हो तो ऐसे मामलों में हम ये कह सकते हैं कि उस वस्तुओं के अन्य ब्रांडों को खरीदें। मतलब वो देखिए, आपको पता ही ना सरसों का तेल जो अभी बहुत पूरा जो है आसमान छू रही है, ज़रूरी है सरसों के तेल का वही लेना, मसाले का ही लेना, कोई और ले लो, कंपनी बदल लो ना भाई। कंपनी पता है क्या होता है, जो फेमस कंपनी होती है वो तो रेट बढ़ाती ही बढ़ाती है, उनके तो मुनाफा कमाने का तरीका यही होता है। आपने देखा होगा जियो फोन जो थी स्टार्टिंग में क्या किया, 1 साल तक फ्री कर दिया लोगों को लालच में लाने के लिए, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसी चीज़ का जो है रिचार्ज बढ़ा दिया। जब रिचार्ज बढ़ा दिया तो हर कंपनी ने यही किया, तो उसने तो अपना मुनाफा पूरा से पूरा भरमा लिया, पूरी खरीदवा लिया। आप एक रिचार्ज करवाने जाओ डायरेक्ट 500 से कम तो होती नहीं, 250-300 से कम होती नहीं है। अब कहाँ पर 10 रुपये का रिचार्ज करवा के हम लोग कहते थे हेलो हेलो, बात करते थे और काट देते थे बीच में, लेकिन आज जो है हम लगे रहते हैं फ़ोनों पर लगे रहते हैं। तो इसे क्या होगा, उसको कुछ नहीं होगा, वो तो मुनाफा कमाएंगे, लेकिन हमारा क्या होगा, हम फ़ोन पे बात करते रहेंगे हर समय 24 घंटा, तो हमारा मानसिकता बिगड़ेगा, हमारा जो है हालत ख़राब होगा। अरे भाई आपने इतने फिल्म देखी होगी, पक्षी जब मर सकते हैं, पक्षीराज बेचारा मर गया उसके चक्कर में, तो क्या इंसान नहीं मर सकता है क्या, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती है दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, आप बच्चे नहीं हो। बेकैली वस्तु का प्रयोग करें, जैसे चीनी के स्थान पर गुड़ खरीद लें। ज़रूरत है कि हम चीनी का इस्तेमाल करें, आपको पता ही है, आप समझदार हो, गुड़ से ही चीनी बनता है, तो जो मिठास चीनी में है वही गुड़ में है, तो ज़रूरी है कि चीनी के पीछे भागना, गुड़ का इस्तेमाल कर लो। संबंधित प्रतिधारी को इसको रिपोर्ट करें। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो आप क्या करें, जो संबंधित अधिकारी हैं उनको आप रिपोर्ट करें, लेकिन रिपोर्ट कैसे करोगे, वो भी व्यक्ति तो आराम से सोए रहते हैं, चलो छोड़िए, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक क्या है, दोषपूर्ण वजन तथा माप। अब सबसे बड़ी समस्या तो ये आती है कि चलिए इन सब चीज़ों पे तो सरकार का अधिकार था, लेकिन जो ये वजन वाली चीज़ होती है सरकार हर जगह थोड़ी चेक करने जाएगी। आजकल लोग देखते हो 1 किलो के जगह पे उनके जो है 75 ग्राम ही आता है या 90 ग्राम 900 ग्राम ही होता है। तेल भी आप 1 किलो लेने जाते हो ना, देखना उस पर कितना लिखा होता है, 900 ग्राम लिखा होता है। अरे सब जगह तो मुर्खी बना रहे, किलो क्यों लिखा है, 1 लीटर जब आप तोलोगे तो 900 वही ग्राम ही आएगा, ठीक है, 1 किलो तो होता ही नहीं उसमें, तो वही बात कहते हैं ना। क्या आप उन वजनों को मापक मशीनों की जांच करते हैं जिनकी प्रयोग आपके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं के लिए किया जाता है? क्या आपको अपने दूध या मिट्टी का तेल मापने वाले उपकरण की जांच किया है? प्राय वजन के बट्टे के नीचे छेद या डेंट होता है, यह वजन आपके द्वारा किए गए भुगतान के कम सामान तोलते हैं। आपने देखा होगा कि जो आपने देखा होगा जैसे वर्ल्ड कप जैसी होती है, वर्ल्ड कप देखा है आपने, वैसा ही होता है ना तेल मापने वाली प्रणाली जो होती है, उसमें 2-4 लोग क्या करते हैं ठोक देते हैं कहीं ऊपर और नीचे से, अपने आप आपको उसमें मुनाफा उनका होने लग जाता है। कई बार होता है वजन के स्थान पर पत्थरों का भी प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि भाई किसी के पास तो मानक होता ही नहीं है, जो मानक जो हमारा केजी बना हुआ है ये सब जो होता ही नहीं उनके पास, पत्थरों के बना देते हैं ताल के, और पत्थर जो होता है गिर गिर के थोड़ा टुकड़ा गिरता रहता है, और वो जहाँ पर 1 किलो का होता है वहाँ पर वो 700 ग्राम ही रहता है, ठीक है। या चुंबक लगा दी जाती है, ये भी स्टाइल होता है, चुंबक लगा दो, ठीक है, अपने जीवन में चुंबक लगा देते हैं लोग ताकि उपभोक्ता को कम सामान दिया जा सके, ठीक है। उपभोक्ता के रूप में आप क्या कर सकते हैं? दूध वाले से दूध
खुला दूध लेते समय हर प्रकार के सतर्क रहें क्योंकि वह आपसे ईमानदारी कर सकता है, यानी ईमानदारी के बहुत अच्छा कर सकता है, इतना अच्छा करेगा कि आप तो समझ ही नहीं सकते उनकी बेईमानी। दोस्तों बेईमानी जो इतना करेंगे ना वो भी बेईमानी कम नहीं करते हैं, लेकिन मैं तो ये जानता हूँ आप जो दूध दे रहे हो आपको पता है वो कौन पी रहा है? एक नवजात बच्चा पी रहा है जो भी जन्म ही लिया है। अरे भाई उसका क्या कसूर था? उसको भी मिलावट दे रहे हो, क्या करोगे ऊपर ले जाके? आपने देखा होगा कि आप दूध लेते हो छोटे छोटे बच्चों के लिए लेते हो, लेकिन ये लोग क्या करते हैं उसमें, दूध से खुला दूध लेते समय क्या करते हो, वो तरह तरह के मिलावट कर देते हैं, पानी मिला देते हैं, ठीक है कई तरह के केमिकल मिला देते हैं। और वो छोटा सा नवजात बच्चा जो अभी भी जन्म लिया है उसकी माँ बीमार है और वो पी रहा है, अब उसके सेहत पे क्या असर पड़ेगा? कभी दूध वाले ने नहीं सोचा, नहीं समझा। क्यों? क्योंकि वो इंसान ही नहीं है यार, 10 रुपये कमाने के लिए इतना रुपये इतना लोगों की बर्बाद कर रहा है, मासूम के साथ खेल रहा है। चलिए ये तो दर्द था मेरा, आगे देखते हैं। क्या दूध मापना मात्र के ऊपर की भरा हुआ होता है? क्या वह उस पात्र को पूरा खाली करने के पश्चात ही पुण्य अपने डोलची में दूध निकाल देता है? क्या मापन मात्र जो है दोषपूर्ण है तो नहीं? क्या उसमें निरीक्षक की मोहर तारीख अंकित है? सब्जी खरीदते समय हमने क्या रखना है समझ देखिए। दुकानदार वजन के बट्टे के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग ना करें, ये बात ध्यान देना आपको जरूरी है। यदि तराजुल के एक सिरे पर लोहे की रिंग लगी हुई हो, ठीक है, यदि तराजुल के प्लेटों के तलों पर चुंबक लगा हुआ हो। अब देखिए ये सब छोटी छोटी बातें जो बताई जा रही है ये तो आपको भी पता है कि हर जगह ये बात होती है, लेकिन इन बातों पर ध्यान कौन देता है? अब ये थोड़ी है किसी के सामने कहने जाओ भाई अपने तराजुल के ऊपर उठा के दिखाओ, नहीं होता है दोस्तों। आप मैंने कहा ना ये जो है भागम भाग जिंदगी है, भागम भाग जिंदगी में मेरा एक विचार होता है कि इंसानों को ईमानदार बनना पड़ेगा तभी हमारा देश जो होगा हेल्दी खुशहाल होगा, ठीक है। हम प्रत्येक व्यक्ति कितना कुछ हम जांच करते चले जाएंगे, आप ही समझिए कि हम एक भूखे हैं, मैगी लेके आया फटाफट बनाया, अरे फाड़ के उधर हमने पे कर दिया, हमने खा लिया भरपेट, जब हमने देखा रहे तो डुप्लीकेट है, अब कौन देखेगा? अब पेट में तो चला गया, डुप्लीकेट था या जो मर्जी था। आप दूध लेने वाले के जाओगे भाई मुझे तो ऑफिस जाने के लिए तैयारी, दूध दे दो फटाफट लो, फटाफट दिया उसने देख के चलेगा। नहीं दोस्तों ईमानदार तो उनको बनना पड़ेगा जो उपभोक्ता बेच रहे हैं। आप ईमानदार तो हो, आप तो उसको पूरा पैसा दे रहे हो, जो कीमत वो निर्धारित किया है आपने जिद किया है तो 2 रुपये कम कर दे चलो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन आपको नहीं, बेचने वाले चाहे आप पेंसिल बेच रहे हो, पेंसिल की क्वालिटी आप देखा करो कितने महान होते हैं, 5-6 बार शॉपनर करोगे अच्छे से शॉपनर हो जाएगा, जब 10वां बार शॉपनर करने जाओगे ना तो सिक्के बार बार टूटते ही चले जाएंगे, देख लेना अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। ऐसा ही है, किसको बोलोगे, हर जगह गुणवत्ता करते जल्दी पेंसिल खत्म हो जल्दी खरीदने चले जाओ। अगर मेरी बात अगर झूठ लग रहा हो ना तो आप ऐसा कोशिश करके देख लेना कि पेंसिल खरीदना उसको कई बार करना उसके बाद देखना करके, फटाफट टूटता ही चला जाएगा। तो आजकल जो है सरकार को इन चीज, सरकार हमारी होती किस लिए है? सिर्फ यही करने के लिए, डर्टी पॉलिटिकल खेलने के लिए, सिर्फ फ्री सामान करने के लिए? सरकार का जो मेन जो है वो है, क्योंकि सरकार जो होती है माँ बाप के समान होती है, उनको बच्चों को ध्यान देने के लिए हम बनाती हैं कि हमारी जो है बुराइयाँ हैं उन पर वो कंट्रोल करें, हमारे चीज़ों को सही उपलब्ध कराएं, तब जाके ज़िंदगी खुशहाल होती है। अगर दोषपूर्ण रहेगी तो कैसे ज़िंदगी हमारा खुशहाल रहेगा? तो हमें देखिए हर एक विक्रेता को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई आप अगर कोई सामान खरीद के लेके आते हो, आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं और आपकी दुकान पे जाते हैं, तो आप डुप्लीकेट सामान न खरीदो, न लो, मुनाफा के चक्कर में ना पड़ो, आप एक जीवन को सुरक्षित करो, ठीक है। क्योंकि आपके वस्तु जो खरीद के ले जाते हैं घर में बनाते हैं उनके हर एक प्रत्येक व्यक्ति खाता है, चाहे वो छोटा 5 साल का 2 साल का बच्चा क्यों ना हो, चाहे एक बुजुर्ग व्यक्ति क्यों ना हो। तो आपको समझदार होना पड़ेगा क्योंकि आप सामान खरीदने जाते हो, आप जांच परख के सामान को खरीदो, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक जो है दोस्तों हमारा है भ्रामक सूचना एवं सूचना का प्रभाव। आपको पता ही होगा कि कोई अगर फिल्म स्टार किसी चीज़ पे अगर प्रचार कर देती है तो हम उस सामानों को पागलों की तरह खरीदने लग जाते हैं, ये तो जनरल सी बात है। अधिकतर वस्तु के विज्ञापन भ्रामक और अति प्रयुक्त होते हैं, वस्तु इतनी प्रभावपूर्ण नहीं होता है जितना कि विज्ञापन में दावा किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि हीरो को दांत निकाल के हंसते हुए कि भाई इतना साफ कर देता है, ताजगी कर देता है कि दांत ही चमकने लग जाते हैं। आपने देखा है कभी आपके दांत ऐसे चमक गए हो? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उपभोक्ताओं को उन सभी वस्तुओं के बारे में विस्तृत सूचना प्राप्त करने की समस्या होती है जिसे वो खरीदना चाहते हैं। दुकानदार भी उत्पादकों को पेमेंट जो होता है
थे देने के मना कर देता है और उसका तर्क होता है कि वह वस्तु के बॉक्स के अंदर सीलबंद है, ठीक है, तो वो प्लेसमेंट नहीं करता है, प्लेसमेंट देने की गारंटी नहीं रखता वो, तो क्योंकि वो सील बंद है, उसको उन्होंने थोड़ी देखा है। प्रायः लेबल पर मुद्रित सूचना बहुत छोटी एवं स्पष्ट होती है, स्थानीय भाषा में होती है जिसे अधिकतर लोग समझ नहीं पाते। आपने देखा ही होगा कि अगर आप कुछ भी सामान खरीदते हो तो उसके अपने ही लैंग्वेज में होते हैं, गुजराती मराठी, तो दूसरे व्यक्ति कैसे समझ पाएगा, क्योंकि उनके स्थानीय लैंग्वेज में उनके बारे में होता है। कई बार आपने देखा होगा कि वस्तुओं को साथ मुफ्त उपहार भी दिए जाते हैं, जो सबसे बड़ी लालच होती है। उदाहरण के लिए एक विशेष ब्रांड की चाय के साथ एक प्लास्टिक का जार मुफ्त, खाना पकाने के तेल के साथ एक स्टील की कटोरी मुफ्त, देखा ही होगा। किंतु क्या ये उपहार वास्तव में मुफ्त होते हैं? क्या वस्तु कीमत में उनकी कीमत भी शामिल होती है, या उनके उपहार की कीमत को वसूलने के लिए वस्तु की कीमत को बढ़ा दिया जाता है? अधिकतर स्थिति में दूसरा मामला ही होती है, क्योंकि सेल्समैन का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, ना कि ग्राहकों को मुफ्त उपहार देना होता है। यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के कि कोई व्यक्ति जो होता है आपको फ्री का चीज़ नहीं देता है, चाहे वो राजनीतिक नेता हो चाहे दुकानदार हो, वो आपसे ही उसूलता है बार बार, ठीक है, वो आपका लालच होता है कि भाई इसके साथ मुझे ये फ्री मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, फ्री के कहते हैं ना, फ्री का तो कुछ भी नहीं मिलता है। आप जो सांस ले रहे हो ना हवा, कहते कि नेचर ने फ्री दिया है, नेचर ने फ्री आपको नहीं दिया है। इसके लिए आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है कि आप नेचर को साफ सुथरा रखो, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी, तभी आपको एयर मिलेगी, वो भी मुफ्त नहीं मिलेगी। जब तक आप साफ सुथरा नहीं रखोगे तो एयर भी आपको जो है अशुद्ध ही मिलेगी सांस लेने के लिए। अब देखो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल दिल्ली है, दिल्ली कितनी पॉल्यूशन राज्य बन चुकी है, यहाँ तो सांस लेना भी दम घुटता है। क्यों घुटता है? क्योंकि वहाँ के लोगों ने जिम्मेवारी नहीं निभाई, पेड़ पौधे देखो कट काट दिए पूरी तरह से, वहाँ पे चारों तरफ जो है गाड़ियाँ ही चलने लग गई, कोई कंट्रोल ही नहीं है गाड़ियों पे। सरकार बार बार ऑड इवन लगा रही है, बार बार ऐसे कर रही है, लेकिन उसका प्रभाव ही नहीं रहता। वहाँ तो बच्चे जन्म भी लेते तो दम घुटने उनको लग जाता है। तो यही बात है ना कि आपने तो बोल दिया भाई फ्री हवा है, लोगों ने इसका क्या किया? पानी फ्री है, देखिए पानी फ्री है, लेकिन क्या हुआ? गंगा दूषित हो गई, यमुना दूषित हो चुकी है। तो फ्री के देखिए दोस्तों, जो फ्री मिलता है उसको हमें फ्री नहीं समझना चाहिए, उसको कदर करना चाहिए, उसको हमें बहुत सम्मान करना चाहिए और उसके प्रति हमेशा आदरपूर्ण रहना चाहिए, तभी जो है इन वस्तुओं का जो है हम कदर समझ पाएंगे और हमारा देश जो है खुशहाल हो जाएगा, तभी कोई प्यासा नहीं रहेगा, कोई अशुद्ध वायु नहीं लेगा, ठीक है। इसी प्रकार त्योहारों के दिनों में तथा किसी मौसम के समाप्त होने पर वस्तुओं पर भारी छूट प्रदान की जाती है। आप हर कहीं सेल के बैनर देखते ही होंगे, तो जनरल सी बात आपको पता है, सबसे अधिक तो आपको प्राय दिवालियों में देखो कितना ऑफर मिलती रहती है। इस प्रकार के सेल में प्राय दोषपूर्ण वस्तुओं की बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जाती है और इस प्रकार ग्राहकों को धोखा दिया जाता है। आपको क्या लगता है जो ये सेल में सस्ता कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो क्वालिटी बहुत अच्छी होती होगी? नहीं दोस्तों, वो पता क्या होता है, जो खराब चीज़ होती है ना उन्हें पॉलिश मार मार के चमका के चला देते हैं, उसके बाद 2 महीने के बाद ख़राब होता है तो कहते हैं भाई कॉल कर दो हम आपके घर पर आके बना देंगे। जब कॉल करो आपका एड्रेस कहाँ का है, आपका पिन कोड कहाँ का है, पहले ये तो बताइए, और सबसे पहले जो आपको मैसेज आएगा उसको कन्फर्मेशन कीजिए। 1000 समस्याएं आती है बाद में, एक बार उनका सामान बिक तो जाए फिर तो वो तो आपका हो गया, आपका सरदर्द हो गया, आप चाहे आप जो मर्जी कर लो आपको सरदर्द होगा ही होगा। तो ऐसी समस्या होती है, वो बैनर जो लगा दी जाती है ना फ्री में, या ये लगा दी जाती है कि इतना कम रेट कर दी गई है, वो सिर्फ आपको धोखा देने के लिए होता है। आप जागो समझो, यहाँ अधिकतर मामलों में वास्तविक मूल्य को ही घटा हुआ मूल्य बताया जाता है और उसके लेबल पर बढ़ा हुआ मूल्य चिपका दिया जाता है। आपने देखा ही होगा कई जगहों पे कि वहाँ पर क्या होता है, बड़ा वाला मूल्य जो होता है चिपका दिया जाता है। सोचते हैं कि भाई बंदे तो ये सोचेंगे कि भाई इतना रुपया का था आप इतना सस्ता में दे रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो डुप्लीकेट बैनर है, ठीक है। ऐसी स्थिति में निपटने के लिए आप ग्राहक के रूप में सही विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं, यानी सही चीज़ों का आप चयन कर सकते हैं। आप कभी भी ऐसा चीज़ हो तो त्योहारों में मत लो, ठीक है ना, इससे भगवान हमसे खुश नहीं होते हैं। भगवान तो कहते हैं अच्छी चीज़ें खरीदो, लेकिन मैं तो कभी भी, मैं जो हूँ वास्तविकता में, मैं कभी भी त्योहारों पर कोई सामान नहीं खरीदता, मुझसे पहले ही खरीद लेता हूँ। मुझे पता है त्योहारों में डुप्लीकेट चीज़ें बहुत बिकती रहती है, ठीक है ना। मिठाई भी क्या करते हैं वो लोग, बेसन को उसके बना देते हैं, क्या मैदा के बना के रख देते हैं रसगुल्ले, ठीक है, खाया करो पेट में पकड़ लेते हैं, अगले दिन वो डॉक्टर के पास दौड़ जाते हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण विज्ञापन के लिए विभिन्न डिटर्जेंट पाउडरों के 2 या अधिक नमूनों की जांच करें, एक टीवी में दिखाया गया नया करें, ठीक है। इधर सारी समस्याएं हैं सेल के दौरान। समस्या क्या होती है? सेल के दौरान धोखाधड़ी की संभावना को कम करने के लिए सेल से पूर्व तथा सेल के पश्चात वस्तु की गुणवत्ता, मूल्य तथा वजनों की
पता लगाएं। कोशिश करें कि आप सेल से इस आकर्षक विज्ञापन में न बह जाएं। विज्ञापन में दोस्तों सोच समझ के विचार कीजिए, किसी को देख के आपने उस चीज़ को नहीं लीजिए जब तक आपकी उस गुणवत्ता के बारे में नहीं पता हो। चाहे लोगों से पूछिए कि इस वस्तु का क्या वैल्यू है, आपने खरीदा है, 2 सालों से इस्तेमाल किया है, आपका कैसा अनुभव रहा है, तब जाके लीजिए, किसी के प्रचार में नहीं आइए। अगला जो ग्राहकों की समस्या होती है, सेवाओं की संबंधित समस्याएं, जैसे कि पहले चर्चा की गई है कि अधिकतर उपभोक्ता उत्पादों से संबंधित समस्याओं को अवगत होते हैं, पर हाल उपभोक्ता के द्वारा सेवाओं को संबंधित समस्याओं को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, हालांकि वह सेवा प्रदाता द्वारा धोखा के शिकार हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कई बार गैस एजेंसी किफ़ायती घरेलू गैस सिलेंडर के कांटे से वर्णित गैस सिलेंडर भी को भी भरती है, इसके कारण घरेलू गैस की आपूर्ति में कमी आ जाती है। सेवा प्रदाता विविध संस्थाएं जैसे कि बैंक आदि कई बार ग्राहकों को बदतमीजी से बात करता है, बहुत बदतमीजी से बात करता है, आपने देखा होगा, उनकी सहायता करने में मना कर देता है या उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं देते। कई बार ग्राहकों को सहमति के बिना उपलब्ध कराए जा रहे सेवाओं पर सेवा कर भी वसूल लेते हैं। आपने उपभोक्ता की यह शिकायत सुनी होगी कि बैंक ने उनके खातों में पैसा निकाल लिया या हस्तांतरित कर दिया। इसी प्रकार मकानों के बिल्डर या स्कूल अधिकारी ने सिक्योरिटी डिपॉजिटों के रूप में बड़ी राशियां वसूलते हैं जिस पर वे ब्याज नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये सब दोस्तों जो है धोखा ही है, हर जगह धोखा है, बहुत जगह धोखाधड़ी चल रही है। और ये आपको पता होगा, मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ यहाँ पर, कि ये सरकार की आंखों के सामने होता है। ठीक है, ये नहीं कि सरकार इससे अवगत नहीं है, हर कोई अवगत है इससे, लेकिन फिर भी हो रही है। कार्य करने के दौरान रेलवे टिकट काउंटरों पर कई कर्मचारी उपलब्ध नहीं होते हैं। इसी प्रकार अन्य सेवाएं जैसे डाक, बिजली, टेलीफोन, जलपूर्ति, स्वास्थ्य आदि में भी वंचित सेवाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं। शिकायत की अनदेखी की जाती है, तब तक काम नहीं किया जाता है जब तक उन कर्मचारियों को रिश्वत के रूप में पैसा ना दिया जाए। दोस्तों ये रिश्वत की बातें जो है मैं क्या बोलूँ, इसमें तो बोल के कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि रिश्वत भी वो चीज़ें होती है जहाँ पर सरकार कहती है कि रिश्वत लेने वाले का वीडियो बना के मुझे भेजो और मैं इस पर रिएक्शन करूँगा। ऐसा होता है दोस्तों कि आप किसी के सामने मोबाइल निकाल रहे हो और वो बंदा कहे कि भाई मैं रिश्वत ले रहा हूँ, तुम मेरा वीडियो बनाओ, ऐसा नहीं होता है। आज जो है हर जगह धोखाधड़ी हो रही है, आजकल हर जगह जो है लोग दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, तो इसके उससे बचना आपका जिम्मेवारी है, आप समझदार बनो। जब आप समझदार बन जाओगे, समझो कि आप दुनिया के टेंशनों से मुक्त हो गए हैं। अगला जो टॉपिक है दोस्तों ये है उपभोक्ता शिक्षा की भूमिका। क्या आप ऐसे तरीके के बारे में सोच सकते हैं जो आपको इन समस्याओं को निपटने में सहायता प्रदान करता है? आप स्वयं को एक समझदार ग्राहक किस प्रकार बना सकते हैं? उचित शिक्षा के माध्यम से उपभोक्ता जागरूक उत्पन्न की जा सकती है। देखो दोस्तों, मैं तो 75 बार कह चुका हूँ कि उचित शिक्षा मिलेगी ना हर एक व्यक्ति को, तो हमारा देश जो है हर चीज़ों से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, जो व्यक्ति पढ़ रहा है ना, वही आगे चल के दुकानदार बनेगा, वही आगे चल के मंत्री बनेगा, वही आगे चल के कोई इंस्पेक्टर बनेगा। और जैसे मैंने बात बताई है, अगर आप समझ जाते हो, अगर आप ही इंस्पेक्टर बन गए, आप ही कुछ बन गए, तो आपको इस बात की नॉलेज तो होगी ना कि धोखा देना गलत है। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, आजकल जो है उपभोक्ता को शिक्षा देने की बहुत ज़रूरी है, शिक्षित करने की ज़रूरत है, तभी हमारा देश जो है खुशहाल होगा। क्या आपको क्या लगता है कि जो व्यक्ति इतने बड़े बड़े धोखाधड़ी कर रहे हैं, क्या वो ईमानदार, वो क्या ईमानदार नहीं हो सकते थे? वो अपने लालच में कर रहे हैं, उनको समझना पड़ेगा कि लालच नहीं है, ये देश उनके बच्चों के समान है, उनके लिए है देश। अगर देश के साथ धोखा करोगे तो किसके साथ अच्छा करोगे? फिर तो तुम अपने को भी नहीं हुए, और आने वाला समय में आपके अपने भी आपके साथ छोड़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अपने भी तभी अपने होते हैं जब आप अच्छे होते हो, जब समाज में आपका नाम होता है। एक बार आपका नाम बिगड़ जाए तो जिसके लिए आप पैसे इकट्ठे कर रहे हो ना, वो भी आपके साथ छोड़ के चला जाएगा। तो ये बात ज़रूरी है, आपको समझना चाहिए कि हर एक व्यक्ति आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक आप देश के अच्छे नागरिक हो। उपभोक्ता शिक्षा के अंतर्गत उपभोक्ताओं को इस प्रकार बात जानकारी दी जाती है कि क्या, कब, कैसे और कहाँ से खरीदारी करनी और उसका भुगतान कैसे करना है। इस संबंध में निम्नलिखित चर्चाएं जो है हम करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें कितना खरीदना है, मुझे कितना खरीदना है, खरीद आपकी आवश्यकता के अनुसार, खराब न होने वाले पदार्थ, भारी मात्रा, तो इसी तरह से जो है सारी यहाँ पर समस्याएं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। ठीक है, इसके जो है उपभोक्ता के गुणों के बारे में जानते हैं। आपकी सहायता के लिए उपभोक्ता सहायक, जैसे कि आप मैं बता चुका हूँ कि जो उपभोक्ता की सहायता के लिए भी कुछ रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, सरकार ने यहाँ पर बहुत से जो है नियम बनाए हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे ठगता है या आपके धोखाधड़ी करता है, तो सिंपल सी बात है, आप प्रूफ के रूप में क्या कीजिए, उससे पर्ची कटवा लीजिए। पर्ची में अगर खामियां रहेगी तो इसके लिए जो होता है उपभोक्ता अदालत जो है वो उस पर
कार्रवाई करेगी। तो इसमें यही बात है, उत्पादों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए विवेकपूर्ण खरीदारी सुझाव के अतिरिक्त अपने मित्रों, परिवारों, सदस्यों या दुकानदारों को भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पत्रिकाओं में टेलीविजन विज्ञापन, लीफलेट और उत्पादों के लेबल और पैकेज आदि भी आपको वस्तुओं के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। ये सभी वस्तुओं जो आपको उत्पादों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराते हैं उन्हें उपभोक्ता सहायक कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता सहायक, क्योंकि वो उपभोक्ता जो होता है लोगों को सहायता प्रदान करता है। उपभोक्ता सहायक लिखित या वर्णित कोई भी चीज हो सकती है, या तो वो लिखित हो सकती है, वर्णित की जा सकती है, जो उपभोक्ताओं को उस वस्तु के चयन के संबंध में सहायता एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराती है जिसे वह खरीदना चाहता है। ठीक है, यानी वो आपको क्या करेगा, मार्गदर्शन करेगा। ठीक है, और ये आपके लिए जरूरी भी है। उपभोक्ता को उपलब्ध सामान्य उपभोक्ता सहायक लेवल, ठीक है, लेफलेंट पैकेज विज्ञापन और अमृत चिन्ह, ठीक है, लेजिस्ट्रेशन, उपभोक्ता संघ और सहायककारिता, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। सबसे पहले जो अगर उपभोक्ता सहायक में इंपॉर्टेंट बात आती है तो पहली आती है लेबल। आपने देखा होगा कोई भी वस्तु जो होती है उस पर लेबल किया हुआ होता है। ठीक है, लेबल वस्तु ऊपर खुदी हुई या मुद्रित जानकारी होती है। लेबल में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध होती है, जैसे उत्पादक का नाम क्या है, किसने इसको उत्पादन किया है, ट्रेंड तथा ब्रांड का नाम। आपको पता है आजकल को जो भी चीज़ें होती है ब्रांड के नाम से जानी जाती है। अगर ब्रांड होती है तभी वो बिकती भी है। ठीक है, जैसे कि आप हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर किसी मैगी के पैकेट पे कोई दूसरा नाम लिख दे और पीला बना दे, ठीक है, आपने ऐड भी देखे होंगे, तो मैगी पीली दिखने वाली चीज़ मैगी नहीं होती है, यही बताता है ना प्रचार में। सेम ऐसा ही कंडीशन जो होती है वो क्या करता है, ब्रांडों का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ब्रांड जो होती है वो एक ब्रांड होती है जो अपनी बहुत ही पैसा खर्च करके अपने आप को पॉपुलर बनाती है। ठीक है, चाहे वो तो क्वालिटी हो चाहे ना हो, तो इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, विनिर्माता का नाम व पता, आधार और तत्व, उत्पादक का उद्देश्य प्रयोग होती है, सब कुछ दोस्तों जो लेबल होती है उस पर लिखा हुआ आता होता है। उत्पादक का प्रयोग के लिए निर्देश क्या दिए जाते हैं वो भी लिखे जाते हैं कि कैसे इसमें करना होता है। उत्पादक प्रयोग के समय ध्यान रखे जाने वाली चेतावनियाँ और सावधानियाँ भी उसमें लिखी जाती है। ठीक है, खुराक कितना देना है, दवाइयाँ और टॉनिकों के मामलों में भी लिखी होती है खुराक। ठीक है, गारंटी अवधि होती है, मानकीकृत चिन्ह भी उसमें लिखे होते हैं, चिन्ह लगे होते हैं जो होता है सरकार द्वारा प्रमाणित होता है। उत्पादक का मूल्य यानी MRP कितना, MRP पे पहले ही मैं चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है ना, इसी के वीडियो के जो है बी पार्ट में, उसका लेवल भाग, लेवल जो भाड़ होती है वो कितनी इसकी होगी, आपने देखा होगा हर वस्तु की जो कहते हैं 1 kg का है, बट 1 kg का होता नहीं है वो, या तो 900 ग्राम का होता है, 900 ही ग्राम का ही होता माना जाता है, देख लेना आप, बहुत से में जो होता है 100 ग्राम की डिफरेंस रहती है। ठीक है, लॉट बैच संख्या, उसमें जो बैच संख्या होती है, जो उत्पादन की जो तारीख दी जाती है उसकी बैच बनती है, वो बैच संख्या बनती है। विनिर्माण की तिथि, ठीक है ना, और उत्पादक की समाप्ति और तिथि, उसमें जो है एक्सपायर डेट भी आपको वहाँ पर देखने को मिल सकता है कि इसकी जो है समाप्ति का डेट जो है कब उसमें मेंशन है, इससे हम उसका उत्पादन और उसका इस्तेमाल करने का हम समय अवधि की जांच कर सकती हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है उपभोक्ता के रूप में आपके लिए लेवलों का महत्व, जो उसमें लेवल होता है वो आप उपभोक्ता के रूप में किस प्रकार देख सकते हो। सबसे पहले तो ये होता है आधार तत्व की सूची को पढ़िए, जो आधार दी होती तत्व की सूची उसको आप ध्यान से पढ़ें। आपको इनमें से किसी तत्व से एलर्जी हो सकती है या इसमें पशु श्रोत्र भी हो सकते हैं, यानी उसमें पशुओं का जो होता है वाशा का भी उपयोग किया गया हो सकता है। मानक चिन्ह की जाँच करें, क्या यह असली है कि नकली है, ये भी जानना आपको जरूरी है, क्योंकि हमने जो है ISI के जो मानक चित्र डुप्लीकेट भी हमने देखा था जो काफ़ी मिलते जुलते हैं। ठीक है, इसके बी पार्ट में हमने देखा था। ठीक है, दरों और निवल मूल्य की जांच करें और तत्पश्चात निर्णय लें कि यह पैर की फायती है या अधिक महंगा है, क्योंकि ये जांच पड़ताल करना आपके बश में है, क्योंकि आप जो है परिवार से प्यार करते हैं। ठीक है, अगर आप इस चीज़ों को जांच पड़ताल नहीं करेंगे तो आपके जो बच्चे हैं, आपके जो भाई बहन है या कोई भी है, वो जो है एक तरह से देखा जाए तो जहर के ही पैकेट ले रहे हैं। किस प्रकार की शिकायत के लिए वस्तु को खेप संख्या के संदर्भ में 7 विनियमन से संपर्क करें, कि जो संख्या है खेप है उसकी वजह से आप संपर्क कर सकते हो। उस वस्तुओं को न खरीदें जिनकी समाप्ति तिथि समीप हो, यानी जिसकी एक्सपायरी डेट होती है नज़दीक होती है उसको नहीं खरीदना चाहिए। आपने देखा होगा कि पेप्सी जो क्या कहते हैं आपका
जो आप लस्सी उसी लेते हो उस पर एक्सपायरी डेट होता है, परसों का होता है मैन्युफैक्चर, और आप आज इस्तेमाल कर रहे होते हो, तो वो आपके सेहत के लिए ख़राब है, क्योंकि ये जो होती है जिस दिन मैन्युफैक्चर होती है उसी दिन उपयोग भी किया जाता है, ठीक है। तो दुकानदार जो है मुनाफा कमाने के लिए ऐसा कर देता है या नहीं बिकता है तो आपको बेच देता है, तो आप तो समझदार हो भाई, आप क्यों खरीद लेते हो, ठीक है। उस पर देखो कि आज का डेट है तभी, क्योंकि ये जो होती है वन डे ही मैन्युफैक्चर होती है, ठीक है। उसके बाद जो होता है इसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें जो है आप नोट करके अपने परिवार की सेहत और ज़िंदगी को आसानी से बचा सकते हो, ठीक है। तो ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो आपको जानना जरूरी था, ठीक है। देखते हैं आगे जो है हमारा क्या है, लिफोलेट। लिफोलेट जो है दोस्तों इसका मतलब यही होता है, लिफोलेट लिफोलेट जो होती है आपकी याद की मौजूदगी की सूचना उपलब्ध कराती है। इसमें उपकरणों के संस्था और अनुसरण की लागत की ब्यूरो भी उपलब्ध होती है। इसमें लिफोलेट में यही होता है कि उपस्कर क्या है, उपकरणों का क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल इसमें किया गया है, तो ये इसके बारे में बताती है। उसके बाद जो है हमारे पास पैकेज है। पैकेज का मतलब समझ ही सकते हो कि आप जिन वस्तुओं को खरीदते हैं उनमें से अधिकतर वस्तुएं पैकेज युक्त या डिब्बा बंद होती है, देखा ही होगा, या पैकेज युक्त होती है डिब्बा बंद होती है। ये पैकेज वस्तुओं को अनेक प्रकार की सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिसको ब्यूरो इस प्रकार दिया जाता है। आपको पता ही है ना कि जो नाइट्रोजन गैस हम किसी भी लिफाफे में भरते हैं वो उसको सुरक्षा रखने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। आप जितने भी चिप्स उप्स खाते हो उसमें से ऑक्सीजन निकाल दिया जाता है, उसमें नाइट्रोजन भर दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो खाद्य पदार्थ है उसके अंदर वो नाइट्रोजन की वजह से क्या होता है, कई दिनों तक सुरक्षित रह जाता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन आपने देखा होगा कोई भी चिप्स के पैकेट खोलो और उतना खा लो और छोड़ दो तो वो क्या हो जाएगा, पानी की तरह पसीज जाएगा या खराब हो जाएगा, चिपचिपा सा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन ग्रो कर गया है और वो उसको कंटामिनेट कर दिया है। अगर उसमें अगर वही पैकेट आप नहीं खोलते तो 10 दिन के बाद भी यूज़ करते तो वो आपको वैसे का वैसा ही मिलता, क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो ये छोटी सी बात थी, ठीक है। यह वस्तुओं किस प्रकार की क्षति दवाई या खराब दूध होने से बचाती है, ठीक है। एक तरह से बचाने का पैकेज होना बहुत जरूरी है, इसको क्षति होने से या खराब होने से बचाता है। यह वस्तुओं के टूट फूट से भी बचाती है, कांच ग्लास के टूट फूट जो होती है उसमें उससे भी बचा लेती है। इसमें मिलावट नहीं हो सकती, इसमें मिलावट नहीं रहती है। इसमें वस्तुओं की मात्रा को कम नहीं किया जा सकता, यानी जो वस्तु की मात्रा है उसमें आप इसको कम नहीं कर सकते। इसमें वस्तुओं के परिवहन और भंडारण की मदद भी मिलती है, ठीक है। तो इसको यहाँ से ले जाना वो ले जाना भी बहुत आसान कर देता है। अगर पैकेज में नहीं होता है तो आप यहाँ से वहाँ लेके नहीं जा सकते। इसके अतिरिक्त विनियम वस्तुओं को पैकेज पर आकर्षण चित्र आदि बनाते हैं ताकि उपभोक्ता को आकर्षित किया जा सके। दोस्तों चित्र जो होती है बहुत ही आकर्षित होना बहुत जरूरी है, इससे क्या होता है कि जो उपभोक्ता है वो काफ़ी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, ऊपर के चित्र देख के ही बहुत संतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इससे जो होता है जो बेचने वाले होते हैं उनको मुनाफा हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों यह है विज्ञापन। विज्ञापन के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, भी निर्माता अपने उत्पादों के संबंधन के लिए विज्ञापन का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त ये विज्ञापन बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की खरीदी भी देते हैं। ये वस्तु के प्रयोग या उनकी विशेषताओं के बारे में ही बताते हैं। आपको आंख मूंदकर इस विज्ञापन विश्वास नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं वो विज्ञापन कर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपके फेवरेट होते हैं और वो जो भी बोलते हैं आप लोग बहुत आँख बंद करके विश्वास कर लेते हो। लेकिन दोस्तों उनको पैसा मिलता है इसके लिए, वो तो ये कहते हैं कि भाई मैं तो एक कंपनी का एक सदस्य हूँ, अम्बेडकर हूँ। तो इसके लिए आपको इस तरह से उन पर विश्वास इतना जल्दी नहीं करना चाहिए। पहले वस्तु को गुणवत्ता को जाँच करो फिर लो, ठीक है ना। बेशक वो कुछ भी कहते हों उनका भाई कहने का उनको पैसा मिलता है, ठीक है, क्योंकि वो ब्रांड के मेन व्यक्ति होते हैं, उनको करोड़ रुपया इसके लिए मिलता है। तो हर चीज़ बातें जो होती है वो जैसा कंपनी कहती है वैसे वो बोल देती हैं, लेकिन आपको उसको नहीं सुनना है। आपको अपने दिमाग पे अपने खुद के विवेक पे विश्वास करना है और जांच परख करके उन वस्तुओं को खरीदना है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक है। उनके चमक दमक के चक्कर में आप ना समझ लेना कि वो वस्तु सही ही होगी, क्योंकि आजकल इनका भी प्रयोग किया जाता है। आगे मानवकृत चिन्ह। जो मानवकृत चिन्ह जो होती है, चिन्ह के बारे में हमने पहले भी कह चुके हैं, ये चिन्ह उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं और दर्शाते हैं कि इन उत्पादों का उत्पादन मानकीय एजेंसी द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर किया गया है। देखिए दोस्तों कोई भी वस्तु जो आप लोग खरीदते हो, कहते हैं ना कि बहुत से प्रोसेसिंग से गुजरते हैं तो उनको गलत होने के चांसेस ही नहीं रहते, लेकिन लोग जो होते हैं मुनाफा के चक्कर में मुनाफाखोरी के चक्कर में उनको क्या करते हैं, बुरे से बुरे कंडीशन में कन्वर्ट करके फिर आप लोगों तक परोसा जाता है, जो कि आपके सेहत के लिए और आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत खतरनाक हो गया है। आजकल तो हर एक व्यक्ति जो है हर एक बीमारी से परेशान है। कारण क्या है? आपके खाने पीने की वस्तुओं में जो है हर तरह की जो प्रॉब्लम मिली हुई है। सरकार कहती है कि हम हर मापदंड से आगे निकालते हैं वस्तु को, लेकिन सरकार को शायद ये पता नहीं है, वो सिर्फ एक पैकेट को चेक करती है, बाकी किसी पैकेट को चेक नहीं करती है।
सरकार भी इस पर जाग सकती है। सरकार क्या करे, 10 पैकेटों को चेक करे, हर दुकान में कहीं कहीं जाता के छापा मारे और वहाँ पर जाके वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच करें। देखिए कैसे हमारा देश जो है सुंदर से सुंदर बन सकती है। लेकिन सरकार क्या करती है, एक पैकेट जांच लेती है, बाकी जो कहती है हाँ ओके ओके करके निकाल देती है। सरकार के जेब में अच्छे खासे वो लोग पैसे ठूस देते हैं और वो लोग क्या करते हैं, अपना धड़ल्ले से जो है जहर व्यक्तियों में बेचते रहते हैं, लोग उसको खरीदते रहते हैं, खाते रहते हैं, बीमार होते रहते हैं, उनकी जो है बैंक बैलेंस बनते रहते हैं। तो बैंक बैलेंस देखिए उनके बन रहे हैं, आप तो फकीर होते जा रहे हो ना। तो आपको समझदारी से कोई वस्तु लाओ और उसको बनाओ। आपने देखा होगा कि पुराने समय में जो हमारे दादा दादी हुआ करते थे वो क्या करते थे, वस्तु लाते थे, रॉ मटेरियल के फॉर्म में लाते थे और फिर घर में पीस पीस के और उसको सही मटेरियल बना के फिर बच्चों को खाना परोसा करते थे। तो उसमें स्वाद भी था और एनर्जी भी थी और पावर भी थी। लेकिन आप लोग क्या करते हो, मेहनत के ना करने के चक्कर में हर चीज़ दुकान से लाते हो, फाड़ते हो, बनाते हो, खा लेते हो। तो दोस्तों कहते हैं ना, अपने बच्चों से अगर प्यार करते हो, अपने भाई बहनों से प्यार करते हो तो अपना खुद का मेहनत करना सीख लो, नहीं तो जीवन जो होती है ना आपके और भी खतरनाक बनते चले जाएंगे, आप बीमारी के शिकार होते चले जाओगे। सरकार बेशक इस पर बहुत से मानक चित्र बनाए हुए हैं लेकिन इससे कुछ नहीं होता। ये विनियमिताओं को बाजार में बेहतर प्रतिष्ठा उपलब्ध कराते हैं, मैंने कहा ना बहुत इनका है गुणवत्ता दिखाते हैं और उन्हें अपने उत्पादक गुणवत्ता में सुधार करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। निम्न उत्पादक विशिष्ट चिन्ह का उपयोग किया गया है, तो आप देखते हैं कि कौन कौन सा चिन्ह जो है इसका उपयोग किया गया है। ये तो आप देख ही चुके हो कि ISI जो है मात्रा, जिसके हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं डुप्लीकेट और ओरिजिनल होने पे, ये इलेक्ट्रिकल सामान, रसायन, खिलौने, प्रेशर कुकर, बिस्किट, कॉफ़ी आदि पे होता है। दोस्तों ये बात जो है कभी कभी मानक पूछ लिया जाता है कि ISI मार्क जो होता है किन किन वस्तुओं पर लगाई जाती है, तो ये आपको याद रखना जरूरी है, नहीं तो आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, FPO की जो है, FPO किस पे यूज़ किया जाता है, सुरक्षित खाद्य पदार्थ जैसे डिब्बा बंद फल सब्जियाँ जूस जैम्स सॉस अचार आदि में उपयोग किया जाता है। तो याद रखना इस तरह से जो होती है हमारे इन चीज़ों पर की जाती है। मैं ये जरूरी बताना इसलिए समझ रहा हूँ क्योंकि ऐसे एग्जाम में बन के 100% आएगा क्वेश्चन। उसके बाद है एक मार्क, कृषि तथा पशु संबंधित पार जैसे मसाले, दालें, आटा, अनाज, अंडे, तेल, मक्खन आदि पे ऐसे आपने चिन्ह देखा होगा। उसके बाद है आपका बुलमार्क, बुलमार्क जो होती है ऊन तथा ऊनी कपड़ों पे ऐसी मार्क आपने देखा होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है हमारा इको मार्क, इको मार्क आप देख सकते हो कि इको मार्क जो होता है कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इसको हॉल मार्क भी कहा जाता है, ये सोने के आभूषण पे लगे होते हैं। ठीक है, नहीं हॉल मार्क है, सॉरी इको मार्क यहाँ पर नहीं गिवन दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये हॉल मार्क होती है, हॉल मार्क तो आपको पता है जो कि सोने की गुणवत्ता को बताता है। इको मार्क जो है यहाँ पर चित्र नहीं दर्शाया गया है, लेकिन इको मार्क जो होती है पुनर्निर्माण योग्य बायोडिग्रेडेबल्स तथा पर्यावरण सहिष्णुता आदि जैसे आरक्षित डिब्बा, डिटर्जेंट, प्लास्टिक पेंट आदि पे इसका उपयोग किया जाता है। ये पेंट आप देख लो, मैं शो करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये मार्क जो भी है जो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ इसके कानून हैं, कुछ रूल रेगुलेशन हैं, चलिए उसको देखते हैं। कानून, कानून जो होती है दोस्तों बहुत ज़रूरी है, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कानून बनाए गए हैं। आपको पता है सरकार जो है बहुत तरह के कानून बनाया जाता है, लेकिन कानून जो होती है किताबी बातें होती है, वास्तविकता में कहीं लागू होती नहीं। अगर लागू होती तो इस तरह की जो बीमारी है, इस तरह के जो खाद्य पदार्थ है जो कि बेकार चीज़ बाजार में उपलब्ध है, वो शायद उपलब्ध नहीं होती। सरकार तो क्या कहती है, बैठे बैठे कानून बना देती है, लेकिन कभी भी इसको ज़मीनी हकीकत के बारे में नहीं जानती है, ज़मीनी हकीकत पर कभी नहीं आती। क्यों? क्योंकि आने से पहले तो पहली सूचना देती है कि मैं भाई इस क्षेत्र में आने वाला हूँ, सारे दुकानदार जो हो अपने अपने अच्छे अच्छे वस्तुओं को रखो, बेकार वस्तुओं को फेंक दो बाहर। जब आप पहले चेतावनी दे देते हो तो भाई सामान तो अच्छे ही मिलेंगे और अच्छे जांच पड़ताल किया जाएगा, लेकिन सरकार ये कभी नहीं सोचती जमीनी हकीकत जाने और उसके जो सही व्यवस्था करे। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1986 बना है, CPA बना हुआ है, जिसमें अब उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 कहा जाता है। देखिए अधिनियम बनाया गया है, बहुत अच्छी बात है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सभी वस्तुएं और सेवाएं शामिल है, जिला, राज्य तथा राष्ट्र स्तर पर उपभोक्ता अदालतों की स्थापना की गई है। आप मामूली शुल्क तथा भुगतान करके उत्पादक के मूल्य के संबंध में अदालतों की शिकायत कर सकते हैं। इस संबंध में ब्यूरो जो है आपको तालिका में दी गई है 4.4 में। ठीक है, उसके बाद जो है आपका उपभोक्ता संगठन, दोस्तों उपभोक्ता संगठन का भी एक अपना दायित्व होती है, उसका भी एक अपना रूल रेगुलेशन होती है। मैंने कहा ना रूल रेगुलेशन बनाने में हमारा देश सबसे आगे है, लेकिन उसको सही से उपयोग कराने में शायद मेरे ख्याल से पीछे है। ठीक है, इसमें बहुत से कारण हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसके पे आप सवाल उठा सकती हो। आपको पता है कई क्षेत्रों में जो है शराब बैन है, कई क्षेत्रों में जो है प्लास्टिक बैन है, लेकिन
फिर भी धड़ल्ले से उपयोग किया जाता है। तो आप कह सकते हो कि सरकार जो है सिर्फ रूल रेगुलेशन सिर्फ किताबी जो है किताबी बातों के लिए बनाती है, सच्चाई के लिए नहीं बनाती है, उसका उपयोग भी नहीं करती है, सिर्फ क्या करती है अपना जो है मकसद निकालती रहती है। तो हम इसके जो है उपभोक्ता संगठन के बारे में आप बात करेंगे। उपभोक्ता संगठन कई रूपों में हमारी सहायता करते हैं, अर्थात जानकारी उपलब्ध कराते हैं। सबसे पहली बात तो जानकारी उपलब्ध कराना, ठीक है। उसके बाद उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए कार्य करना, उपभोक्ता के कल्याण के लिए भी कार्य करती है, ठीक है। उपभोक्ता संबंधी नीतियों के निर्धारण के लिए सरकार का मार्गदर्शन भी करती है, ठीक है। सरकार को जो है ये मार्गदर्शन करती है, विभिन्न विषयों पर उपभोक्ता को शिक्षा प्रदान करती है। देखिए ये सब चीज़ें जो होती है उपभोक्ताओं को सुरक्षा करने के लिए इम्पोर्टेंट बात बताई जाती है। उपभोक्ता विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध प्रदर्शन करना, उपभोक्ताओं को शिकायत प्राप्त करके उन्हें उपभोक्ता अदालत में भेजना, ये सारे काम जो होता है उपभोक्ता संगठन का होता है, ठीक है ना। होते तो सबके अच्छे अच्छे कार्य है, लेकिन हो तो ना रूल रेगुलेशन चले तब ना। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार संरक्षण परिषद यानी ICRPC एक पंजीकृत गैर सरकारी संस्था है, ठीक है। और जो भारत की उपभोक्ता अदालतों में उपभोक्ताओं की शिकायत को दायर करने के लिए पीड़ित व्यक्तियों की सहायता एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराती है, ठीक है। ये बात तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों की सहायता करना चाहिए, मार्गदर्शन कराना चाहिए, लेकिन दोस्तों जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। आप कोई भी चक्कर लेके जाओ कहीं भी, आपके अगर चप्पल नहीं घिस गए तो आप कहना कि त्रिपान स्टडी सेंटर ने कुछ कहा था, कुछ बताया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या उपभोक्ता के रूप में आपका अधिकार, देखिए उपभोक्ता के रूप में आपको बहुत से अधिकार मिला है। क्या आप जानते हैं कि उपभोक्ता के रूप में आपको अनेक प्रकार अधिकार प्राप्त हैं? उपभोक्ता अधिकार ज्ञान आपको सेल्समैन और विभिन्न निर्माता द्वारा अपनाए जा रहे विभिन्न अनाचारों को लड़ने में सक्षम बनाता है। ये अधिकार क्या है, ये कुछ देखते हैं कि अधिकार सबसे पहले क्या है। देखिए सबसे पहले तो यही सुरक्षा का अधिकार, एक उपभोक्ता को सुरक्षा सामान की मांग करने तथा सभी हानिकारक उत्पाद जैसे कि मिलावटी खाद्य पदार्थ और असुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से सुरक्षित रहने का अधिकार है। अधिकार तो है ही भाई, तो रहना ही पड़ेगा। उदाहरण के लिए यदि आपको ओवन में बिजली का झटका लगता है तो आपका कुकर फट जाता है तो सुरक्षा के अधिकार के अंतर्गत आप विनिर्माता के विरुद्ध शिकायत दायर कर सकते हैं। कहते हैं ना आए दिन जो है हमारा जो है बिजली के उपकरण से झटके लगते रहते हैं, ठीक है। आए दिन जो है शॉर्ट कुकर जो है फटते रहते हैं, लेकिन एक बार आप शिकायत करने तो जाओ आपको वहाँ पर से उल्टे पैर भगा देंगे वो लोग, पुलिस वाले के पास जाओ आपको चक्कर लगवा देंगे। सिर्फ कहते हैं ना सरकार सिर्फ किताबी बातें लिखती है, सच्चाई हकीकत जानेगी तब पता लगेगा, ठीक है। सरकार आपको सुरक्षा के लिए अधिकार की रक्षा करती है, देखिए यह सुनिश्चित करके निर्माता असुरक्षित अनुपयुक्त दोषपूर्ण तथा खराब गुणवत्ता वाले सामान की आपूर्ति न करें। सबसे पहली बात तो है कि ऐसे अगुणवत्ता वस्तुओं को बनाती ही क्यों है, फिर यही तो बात आप उठाएगा ना कोई दुकानदार कि भाई इसको मैं थोड़ी अंदर घुस के जा गया था तुम्हारा कुकर फट गया या तुम्हें झटका लग रहा है, मैंने थोड़ी मैन्युफैक्चर किया है। तो आप तो बात वही सवाल उठ गई, जो बनाया तो उसको पास किसने किया। अब इसमें देखिए कितनी बारी बातें चल सकती है आगे, तो हम इस पे बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो कहते हैं ना जो बड़े बड़े अफसर बैठे हुए हैं बड़े बड़े कुर्सियों पर, उनको ही बात समझने की जरूरत पड़ता है। और क्या पता आप में से कोई अफसर बन जाए और इस बात को समझ ले, यही तो मेरा आशा है। चयन का अधिकार, ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि चयन का अधिकार भी होती है। ये उपभोक्ता को अच्छी गुणवत्ता वाले विभिन्न उत्पादों में से एक उत्पाद चयन करने का अधिकार है। चलिए ये अधिकार तो कुछ हद तक हमारा सुरक्षित है। उदाहरण के लिए एक दुकानदार केवल एक ही ब्रांड के टूथपेस्ट नहीं बेच सकता है, आप एक उत्पाद के विभिन्न विकल्प को मांग कर सकते हैं। चलिए ये तो विकल्प जब पड़ा रहता है तब तो ये आपकी गलती होती है कि आप अच्छे से अच्छे विकल्प को चुनिए, ठीक है। सरकार आपको चयन के अधिकार की रक्षा करती है, उत्पाद के संबंध में संप्रदाय और उपभोक्ता शिक्षा की प्रक्रिया स्थापित करते हैं। सूचित किए जाने का अधिकार, यानी एक उपभोक्ता को वस्तु के संबंध में विभिन्न सूचना जैसे उसकी गुणवत्ता शुद्धता सक्षमता आधार तत्व मूल्य आदि को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। इस प्रकार यदि दुकानदार उत्पादन खरीदने जाने से पूर्व आपको उसको बुकलेट देने से मना करता है तो आप उसके विरुद्ध मामला दायर करवा सकते हैं। चलिए ये बात तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। मामला दर्ज करवाने जाइएगा आप क्या करिएगा, आपको मैंने कहा था ना कि मुसीबत आएगा, लेकिन सरकार को इसके प्रति बहुत ही कठोर जो है कदम उठाना चाहिए क्योंकि भोजन जो है प्रत्येक व्यक्ति का है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है और वस्तुओं का इस्तेमाल करना, तो इस पर कड़ी कड़ी से नियम होना चाहिए और इसकी गुणवत्ता को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इसमें जो होता है सरकार ने सूचित अधिकार रक्षा करती है। टॉक्सिक उत्पाद के विज्ञापन के साथ चेतावनी भी जारी रहती है। देखिए आपको पता है कि लिखा रहता है कि सेहत के लिए सिगरेट बहुत हानिकारक है। अब हानिकारक है तो भाई लोग खुद ही घर में थोड़ी बना रहे हैं, तो फैक्ट्री में बन रही है, फैक्ट्री को बैन कर दो ना, तब जाकर सिगरेट जो होगा ऑटोमेटिक लोगों के हाथ से दूर हो चला जाएगा। तो वो लोग बैन तो करते नहीं है,
ठीक है, उसको और प्रोत्साहित करते, क्योंकि सरकार को सबसे अधिक जो मुनाफा होती है इन्हीं द्रव्य पदार्थों से होती है, टॉक्सिन पदार्थों से होती है। तो वो तो सिर्फ नहीं देती चेतावनी, भाई जो मरना है तो आप लोग खुद मरो जानबूझ के, इसका हमारा कोई रिलेशन नहीं। सरकार डायरेक्ट पल्ला झाड़ लेती है, सिर्फ चेतावनी देती रहती है हर जगह। भ्रामक पैकेज को प्रतिबंधन करके यह सुनिश्चित करके कि पैकेज में उसका मूल्य तथा मूल तत्व स्पष्ट रूप से इंद्रित हो, यानी जो आपको पैसे का जो होता है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आवेदन का अधिकार, सुने जाने का अधिकार तथा आश्वासन दिए जाने का अधिकार उपयुक्त परफॉर्म उपभोक्ता के हितों पर विविध विचार किया जाता है। उपभोक्ता का अधिकार जो है सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, चयन का अधिकार, ठीक है, आपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, ये सारे जो है उनके अधिकार होते हैं जो यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, सरकार आपको अभिवेदन के अधिकार की रक्षा करती है उपभोक्ता के संबंधी कानून तथा नीतियों को प्रकाशित करके, ताकि उपभोक्ता उन पर टिप्पणी न दे सके। उपभोक्ता से प्राप्त टिप्पणियों को संग्रहित करना तथा उन्हें उपयुक्त प्राधिकरण को समक्ष प्रस्तुत करना। उपभोक्ताओं के कानून तथा वित्तीयों सहायता प्रदान करके उन्हें अपने अधिकारों में प्रयोग में सहायता देना, इन सारे चीज़ों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद सुने जाने का अधिकार, यदि उपभोक्ता के साथ धोखा हुआ है तो उसे अदालत में अपनी शिकायत को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। इसके तहत यह है कि आपको किसी प्रकार का आचरण के विरुद्ध उपभोक्ता फोरस पर व्यक्त प्रस्तुत करके अधिकार, इस अध्याय में आगे विस्तार से आप चर्चा करेंगे। उसके बाद है कि क्षति पूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, अनुचित व्यवसायिक पद्धति को प्रतिबंधित व्यवसायिक पद्धतियाँ उपभोक्ता को नैतिक शोषण के विरुद्ध क्षतिग्रस्त अधिकार है। उदाहरण के लिए भी एक दुकानदार आपको एक मीटर से कम कपड़े देते हैं देने से इनकार करता है तो यह प्रतिबंधित व्यवसायिक पद्धतियाँ और आप इस दुकानदार के विरुद्ध मामला दायर करवा सकती हैं। सरकार आपको क्षतिपूर्ति के अधिकार की रक्षा करती है, यह सुनिश्चित करती है कि उपभोक्ता अपने विवादों के निपटने में सामान्य भूमिका अदा करें। यदि युवा असुरक्षित वस्तु जैसे पूर्ण सेवाओं को कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति का अधिकार भी देता है। उसके बाद दोस्तों हैं उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, ठीक है, उपभोक्ता सामान्य उपभोक्ताओं की कमजोरियों को प्रति जागरूक हेतु शिक्षा का अधिकार भी है। इसका तात्पर्य यह कि आपको विवेकपूर्ण तथा बुद्धिमत्ता निर्णय के लिए आवश्यक ज्ञान की क्षमताओं को ग्रहण करना चाहिए और उसके बारे में जानना चाहिए। सरकार तो ये भी बात कहती है कोई सामान को खरीदो तो भाई जो कम से कम रेट करवाने की कोशिश करो, ठीक है, आपको उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार रक्षा करती है, सुनिश्चित करके कि उपभोक्ता कानून भाषा में उपलब्ध हो जिन्हें आप आसानी से समझ सके, उपभोक्ता जागरूकी मॉनिटरिंग करके, ठीक है। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है कि जो पैकेट पे जो भाषा होना चाहिए वो आपके लैंग्वेज में होना चाहिए जिससे कि आप आसानी से समझ सको। मौलिक अधिकारों का अधिकार, इसमें मूलभूत वस्तुओं तथा सेवाओं का अधिकार आपको सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करती है। इसमें पर्याप्त भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य सुविधाएं, पेय जल तथा स्वच्छता, आवास सुविधाएं, शिक्षा, ऊर्जा का परिवहन शामिल होते हैं, ठीक है। सरकार आपको मौलिक आवश्यकताओं का अधिकार की रक्षा करती है। नियमित आय वाले परिवारों के लिए किफ़ायती दरों पर राशन उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है, सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराया जाता है, निम्न लागत के मकान उपलब्ध कराए जाते हैं, निःशुल्क मौलिक तथा प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो ये सारे सुविधाएं जो है लोगों को प्राप्त है। उसके बाद जो दोस्तों है स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य पर्यावरण होना बहुत ही जरूरी होता है। यह अधिकार व्यवसायिक पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करती है जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है। यह पर्यावरणिक क्षति के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। यह भावी नस्ल के लिए पर्यावरण का संरक्षण रखने तथा उनमें सुधार लाने की बात करती है। आपको पता ही होना चाहिए कि हमारे भावी पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण बहुत से रूल रेगुलेशन बने हुए हैं कि हम पर्यावरण को क्षतिग्रस्त नहीं करेंगे, इसके लिए बहुत से कानून बने हुए हैं, लेकिन कानून जो होती है सिर्फ बनाने जाती है। आपको पता ही होगा कि सभी वाहनों को प्रत्येक 3 महीने में प्रदूषण मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ता है। पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व हम सभी का है। हमारे सहयोग की मैं सरकार भी स्वास्थ्य पर्यावरण सुरक्षित नहीं कर सकती। दोस्तों ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आप सोचते हो कि सरकार सारे कार्य करेगी, नहीं दोस्तों, कार्य आपको करना पड़ेगा। आप जागरूक बन जाओगे ना, सरकार ऑटोमेटिक जो है सब कुछ कर लेगी, क्योंकि सरकार क्या कर लेगी, एक सरकार क्या कर सकती है, रूल रेगुलेशन बनाती है। कहते हैं एक रूल बनती है 75 रूल जो होते हैं लोग तोड़ने लग जाते हैं। तो आपको जागरूक बनना पड़ेगा, आपको जो है हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखना पड़ेगा। अगर पर्यावरण सुरक्षित रहेगी तभी आपका और आपका आने वाला पीढ़ी जो होगा सुरक्षित रहेगा, नहीं तो आप भी दूषित प्रदूषण में रहोगे। मैंने कहा था ना कि फ्री में संसार में कुछ नहीं मिलता है, पर्यावरण भी आपसे यही आशा रखता है कि आप उसको सुरक्षित रहे। वो फ्री में आपको हवा नहीं दे रहा है, फ्री में आपको धूप नहीं दे रहा है। आप लोग सोचते होगा कि भाई मंत्री जी यही कहते हैं ना कि भाई फ्री में आपको धूप मिल रहा है, फ्री में हवा मिल रही है। आप उनको समझाइए कि फ्री में पानी तक भी नहीं मिलती हमें, क्योंकि गंगा भी कहती है कि भाई मुझे साफ सुथरा रखो, यमुना भी कहती है साफ सुथरा रखो, कचरा ना फेंको, तभी जाके वो स्वच्छ रह सकती है। तो हर चीज़ जो है सुरक्षित रखने के लिए आपको कदम उठाने की आवश्यकता है, ठीक है। शिकायत की दोस्तों ये तो बात थी उस जगह, लेकिन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या होती है? आप वस्तु करते हैं, आप
आपने खुश नहीं है तो याद रखिए कोई आपकी मदद नहीं करेगा जब तक आप स्वयं अपनी मदद नहीं करेंगे। देखिए बात बहुत अच्छी बात दी गई है, यदि याद रखिए कोई आपकी मदद नहीं करेगा जब तक आप स्वयं की मदद नहीं करेंगे। आप जब तक खुद जागरूक नहीं रहोगे आपका इस दुनिया में कोई मदद नहीं करेगा, कोई शुभचिंतक नहीं है। ठीक है, इसमें जो होता है शिकायत दर्ज करने का, कौन शिकायत दर्ज करा सकता है, कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करवा सकता है। कब दर्ज करें, सभी शिकायतें खरीदें तारीख से 2 वर्ष के भीतर दर्ज कराई जाएगी। शिकायत कहाँ दर्ज करानी है, जिला स्तर पर करवानी है जिसमें 20 लाख तक की हानि हुई हो। राज्य स्तर पर जब करवाओगे जब वहाँ पर 20 लाख से 1 करोड़ तक की हानि रही हो, ठीक है। उसके बाद राज्य स्तर पर कराई जाती है जिसमें 1 करोड़ से अधिक मूल्य की वस्तु की राशि शिकायत दर्ज कराई जाती है, यानी इसका जो है 1 करोड़ से ऊपर जो है इसका कोस्ट है जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ है। हाँ 20 लाख से जिला स्तर पर 20 लाख से कम पे हम कर सकते हैं। इसका शुल्क कितना है, नाम मात्र शुल्क, यानी जिला स्तर पर आप 100 से 500 रुपया तक और राज्य स्तर पर 200 से 400 रुपया, राष्ट्रीय स्तर पर 5000 तक जो है इसका मूल्य रहता है, यानी इसका मूल्य कितना रह सकता है, मानक सूत्र शुल्क क्या होता है। कैसे आराम करें, विक्रेता से संपर्क करें, विक्रेता की गई बातचीत पर रिकॉर्ड करें, जिस तारीख तक किस समय चर्चा की गई है, जिस कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। यदि आप समस्या का समाधान नहीं करता है तो आप इसका जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। शिकायत कैसे दर्ज करानी है, दूसरे पक्ष को 15 दिन के भीतर शिकायत के निपटाने के लिए रजिस्ट्रेशन डाक द्वारा एक नोटिस भेजे जाते हैं, ठीक है। निर्धारित फॉर्म को भरे जिसमें अपनी और दूसरे पक्ष के नाम, पता, शिकायत विवरण सब कुछ प्रस्तुत हो, ठीक है। तो इस तरह के जो है फॉर्म आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा। शिकायत कहाँ दी जानी चाहिए, उपभोक्ता अदालत के प्रवक्ता क्लर्क को शिकायत तथा अदालती शुल्क जमा कराए जो आपकी आरंभ सूचनाओं की तिथि तथा शिकायत संख्या देगा। अगली कार्रवाई कब होगी, अगला जो है दूसरे पक्ष को जो है 30 दिन के भीतर उत्तर देने के लिए नोटिस भेजा जाएगा, ये सुनवाई पर आने की कहा जाएगा। अदालत का अंतिम आदेश जो सभी पक्षों के लिए स्वीकृति पंजीकृत रहेगा, ठीक है। मामलों का निपटारण, सभी मामलों के निपटारण शिकायत प्राप्त करने की तिथि 90 दिनों के भीतर किया जाता है, ठीक है। अब किस प्रकार की राहत उपलब्ध होगी, वस्तुओं से सभी खामियों को दूर करना, वस्तुओं को बदल कर देना, भुगतान किए गए मूल्य की धनराशि, किसी प्रकार के चोट हानि के लिए क्षतिपूर्ण। तो इस तरह से जो है सारी प्रक्रिया होती है, ठीक। जो लेटर होगी कुछ इस प्रकार से होगी जिसमें लिखा होगा दूसरे पक्ष का नाम पता, कंपनी का नाम पता, तारीख, प्रिय यानी संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का नाम, मैंने दिनांक इतना का क्रमश इतना को खरीदा था, मैंने इस उत्पादों के स्थल दिनांक इतना को खरीदा है किंतु यह उत्पादक सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है या सेवा उपयुक्त नहीं हो क्योंकि इसका डैश कारण है, कुछ भी ले सकती हूँ। इसलिए इस समस्या का समाधान हेतु मैं अनुरोध करता हूँ कि उपयुक्त कार्रवाई जो आप चाहते हैं किए जाना चाहिए। तो इस तरह से जो होगा आप लिखोगे, लास्ट में भव्य लिखोगे और आपका जो है नाम इसमें लिखोगे। तो इस तरह से जो होगा लेटर होगा जिसमें आप भव्य लिख के अपना नाम और पता लिख के टेलीफोन नंबर लिख के आप अपना बिल दे सकती हूँ। दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा जो है जागो गांक जागो खत्म हो गया है, ठीक है। हमने इसमें हर चीज़ को डिस्कशन किया है, ब्रिकी से ब्रिकी किया है।